स्केलेटल सिस्टम, इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी मेड अप ऑफ बोन एंड कार्टिलेज. बोन्स और कार्टिलेज का बना हुआ ढांचा है. द फ्रेमवर्क इज नथिंग, इट इज ढांचा. हमारी बॉडी इसी ढांचे पे बनी हुई, एंड दैट फ्रेमवर्क इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज. सो हम लोगों ने बोन्स और कार्टिलेज को डिटेल में टिश्यू सिस्टम में पढ़ रखा है, एंड दैट्स व्हाई हम लोगों ने बोला था कि बोन्स आर द कनेक्टिव टिश्यूज. बोन्स आर द कनेक्टिव टिश्यूज, और ये वो कनेक्टिव टिश्यू हैं जो बने हुए हैं कुछ मटेरियल से, इनके बारे में आपको आइडिया लगाना चाहिए. बोन्स बनी हुई हैं बेटा ऑसीन नाम के ऑर्गेनिक मटेरियल से. ऑसीन नाम का इनमें एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, और साथ में बोन्स में प्रेजेंट है एपेटाइट सॉल्ट. And these apatite salt are made up of calcium carbonate and phosphate. Calcium का बना होने की वजह से they are the hardest or one of the hard connective tissue. आपकी body में ये hard connective tissue है, और इनके साथ एक बात जाती है, they are non-pliable. इन्हें दबाया नहीं जा सकता. अगर आप इन्हें दबाने की कोशिश करोगे तो ये दबेंगे नहीं. So bones are the hard, non-pliable connective tissue made up of ऑसीन. ऑसीन नाम का material है जिसे हम लोग organic material बोलते हैं, and also by the salt known as apatite salt, calcium carbonate and phosphate. एक concept दिमाग में लगा लो, जब जब आपकी body में कहीं पर भी calcium deposit होगी, structure hard होते जाएंगे. Even kidney का stone मैंने अभी पढ़ाया था, it was a calcium oxalate. इवन आपके दांत में कैल्शियम है, इट इज हार्ड. आपको मालूम है जैसे जैसे कैल्शियम डिपोजिशन होगा हार्डनिंग बढ़ती है, एंड इट्स नॉट प्लायबल. इसे दबाया नहीं जा सकता. बोलते हैं अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो हम में लगभग 206 हड्डियां हैं जो अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी में बोन्स हमारे फ्रेमवर्क को बनाती है. तो फ्रेमवर्क को बनाने के लिए 206 हड्डियां हैं. इसके अलावा आपके पास बोन के साथ साथ कार्टिलेज भी प्रेजेंट है. तो नेक्स्ट इज कार्टिलेज. कई बार बच्चे पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कार्टिलेज एंड बोन. कार्टिलेज आर मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू. दीज आर द हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, दीज आर द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एंड मेड अप ऑफ फाइबर्स. बहुत सारे फाइबर्स हैं. और याद रखना कार्टिलेज आर प्लायबल. क्या बेटा? प्लायबल. अगर आप कार्टिलेज को दबाने की कोशिश करोगे तो वो दब जाएंगे, लेकिन बोन्स दबती नहीं. तो कार्टिलेज दे आर प्लायबल डेंस कनेक्टिव टिश्यू. एक और बात जो आपको याद रखनी है, जैसे बोन में पाया जाता ऑसीन, कार्टिलेज में पाया जाता कॉन्ड्रिन. ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है कॉन्ड्रिन. यहां पर पाया जाएगा ऑसीन, यहां पाया जाएगा कॉन्ड्रिन. कॉन्ड्रिन के अलावा दे हैव द कोलेजन फाइबर. और हम सब लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए, मैं तीन बार बोल रहा हूं आप भूल जाओगे. कोलेजन फाइबर आर इन इलास्टिक. इलास्टिक इन इलास्टिक, दे आर इन इलास्टिक. इन्हें स्ट्रेच नहीं किया जा सकता, और इसीलिए इनकी हार्डनिंग इलास्टिक फाइबर से थोड़ी ज्यादा होती. तो हमारे कार्टिलेज और बोन मिलकर के हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बना रहे, और बॉडी का फ्रेमवर्क बना है इसी को हम लोग स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं. इट इज जस्ट फॉर यू नो, आपको केवल इंफॉर्मेशन क्लास के लिए रखा गया है. और इसमें कोई भी हंसने मजाक करने से टाइम वेस्ट होगा, और हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो, ताकि हम लोग शाम की क्लास को ऑफ रख सकें और आप तैयारी कर पाओ अपने पेपर का. मैं अभी इसको खत्म करके आपको घर भेजता हूँ. बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता. टाइम तब लगता है जब हम वेस्ट ज्यादा करते हैं. तो अगर आराम आराम से पढ़ते जाएंगे तो 1.5 से 2, 1.25 घंटे का टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा. चलिए,
तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम, बता पाओगे? इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। जरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि बोन्स क्या है और कार्टिलेज क्या है, डिफरेंस बताओ। बता पाओगे? एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, एक डेंस कनेक्टिव, एक प्लायबल है और एक नॉन प्लायबल। एक में कोलेजन फाइबर की वजह से हार्डनेस है, एक में कैल्शियम सॉल्ट की वजह से, कैल्शियम सॉल्ट की वजह से किसमें? बोन्स में। और एक में बेटा कोलेजन की वजह से कार्टिलेज। कितनी हड्डियां हैं? 206। और 206 हड्डियों से मिल करके हमारा एक स्केलेटल सिस्टम बना है। तो इसीलिए इस स्केलेटल सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। सो स्केलेटल सिस्टम इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, प्लीज इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। और वो भी स्केलेटल सिस्टम जो हमारा बोन पोर्शन है, बोनी पोर्शन है, उस पोर्शन को हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा है। वन इज नोन एज एक्सियल स्केलेटन। बहुत आसान है, हुआ हम लोग बनाते हैं इसे, बहुत आसान। और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं बॉडी की मेन एक्सिस पर, बॉडी की मेन एक्सिस के अलोंग जितनी भी बोन पड़ेंगी, मेन एक्सिस जो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ से जाती, उस मेन एक्सिस के अलोंग जितनी भी बोन्स आएंगी, दोज बोन्स आर नोन एज एक्सियल स्केलेटन। बोलो। और जो अपेंडेजेस होंगे, फिर से बोलो। ये शब्द हमने ऑर्थ्रोपोडा में पढ़ा था, किसमें? ऑर्थो, जॉइंटेड अपेंडेजेस। अपेंडेजेस इज समथिंग विच इज ओरिजिनेट फ्रॉम द योर एक्सिस, आपकी एक्सिस से जो चीज निकले, ओरिजिन हो जाए, उसे अपेंडेज बोलते हैं। हाथ क्या है? ये हाथ क्या है? पैर क्या है? पैर क्या है? अपेंडेज। तो मेन एक्सिस में पड़ा हुआ इट इज एक्सियल, और अगर कोई अपेंडेजेस है तो अपेंडिकुलर। बोलो कैसा बड़ा? अपेंडिकुलर। तो बताओ किस प्रकार का स्केलेटन है? दो, एक कौन? एक्सियल, दूसरा अपेंडिकुलर। नितिन इधर आओ, नितिन आओ, ये पकड़ो, हाथ पकड़ो सर। आओ भाई हितेन बाबू, ये पैर पकड़ो, पकड़ो इधर पकड़ो, हमने कहा था हंसेंगे नहीं आप, इसको पकड़ो। सी, अब आपकी बॉडी की मेन एक्सिस देखिएगा। यस, जो दिखेगा वही आएगा, वरना आप लोग रट्टा मारते रहोगे। ये क्या है? स्कल। बोलो स्कल। ये क्या? हाँ, ये क्या है? पक्का? ये क्या? ये क्या? बस ये एक्सिस, क्योंकि ये अपेंडेजेस है, ये अपेंडेजेस है, ये अपेंडेजेस है, ये अपेंडेजेस है, और इनको बनाने वाले ये गर्डल है। क्या है? गर्डल। फिर से बोलो। ये क्या है? गर्डल। ये क्या है? ये क्या है? गर्डल। तो गर्डल पोर्शन अपेंडेजेस में जाता है। गर्डल पोर्शन अपेंडिजेस में जाता है। तो बताओ मेन एक्सिस में क्या क्या है? बोलो स्कल, स्टर्नम, बोलो स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स। आपकी बॉडी का हर वो पार्ट जो दायां और बायां भाग में डिवाइड किया जा सकता है, किसमें? लगभग हर वो पार्ट, पूरा की लगभग, लगभग हर वो पार्ट जो दाएं और बाएं हिस्से में डिवाइड किया जा सकता है, वो अपेंडिकुलर है। बोलो क्या है? अपेंडिकुलर। दायां हाथ, दायां पैर, बायां पैर, ओके, दाई गर्डल, बाई गर्डल, दायां कंधा, बायां कंधा। याद रखना इसमें रिप्स नहीं आती। आप बोल सकते हो दाई रिप्स, बाई रिप्स, दाएं और बाएं में डिवाइड की जा सकती हैं, फिर भी ये अपेंडिकुलर एक्सिस का पार्ट नहीं है। किसका पार्ट है? एक्सियल। तो बॉडी की मेन एक्सिस पर पाई जाने वाली सारी बोन्स ये कैसा स्केलेटन बनाएंगी? एक्सियल स्केलेटन। फिर से बोलो। तो बड़े बिना रट्टा मारे मुझे बताओ कितने प्रकार के होंगे? चार। बोलो कौन कौन? बोलोगे तभी आएगा। स्कल, स्कल के बाद स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम, चार चीजें हैं, याद रहेगा? अब देखना, फोर लिम, बोलो, फोर लिम,
हाइंड लिम्ब पक्का पेक्टोरल गर्डल बोलो पेल्विक गर्डल तो चार इस तरफ चार एक्सियल स्केलेटन में कितने हेडिंग्स चार और अपेंडिकुलर में चार पक्का चलो थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम भी अभी थोड़ी देर आप इंटरेस्ट वहीं पर इंतजार करो मैं फिर बुलाऊंगा चलो जाओ छोड़ यस ओके अरे लेट नहीं गया था सम्मान से देखो तुम्हें कुछ पढ़ा रहे हैं अपनी जिंदगी आहूत कर दिया भाइयों बहनों यस तो बताइए आपकी बॉडी में स्केलेटन कितने प्रकार के दो एक कौन एक्सियल दूसरा अपेंडिक रटने की जरूरत नहीं एक्सियल स्केलेटन प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बॉडी आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बॉडी के अलोंग अगर कोई स्केलेटन है इट इज नोन एज एक्सियल स्केलेटन चार मुख्य कंपोनेंट है वन इज स्कल दूसरा है स्टर्नम दैट इज ऑल्सो नोन एज चेस्ट बोन तीसरा है वर्टिब्रल कॉलम और चौथा है रिप्स ये चार मुख्य प्रकार के कंपोनेंट्स हैं एक्सियल स्केलेटन के अपेंडिकुलर स्केलेटन के भी चार मुख्य प्रकार के कंपोनेंट है पहला इट इज कंधे वाला गर्डल इट इज नोन एज पेक्टोरल गर्डल पेक्टोरल गर्डल इज ऑल्सो नोन एज शोल्डर गर्डल वन इज पेक्टोरल गर्डल दूसरा है पेक्टोरल गर्डल से जुड़े हुए फोर लिम्स तीसरा है बेटा पेल्विक गर्डल इज ऑल्सो नोन एज हिप गर्डल और पेल्विक गर्डल से जुड़े हुए स्ट्रक्चर इट इज नोन एज हाइंड लिम्ब बस इसी में 206 हड्डियां गिननी है हम लोग को और हम लोग गिन डालेंगे चिंता मत करो 206 हड्डियां फिलहाल आपको 10-12 हड्डियों के नाम पहले से आते होंगे लेकिन इस लेक्चर को खत्म करते करते हम लोग उन हड्डियों के नाम को की संख्या को जानने की संख्या को बढ़ाएंगे और देखना कितनी आसानी से आता जाएगा हमें आता जाएगा क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट तरीके से पढ़ेंगे तो बताओ एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितने कितने कंपोनेंट चार और चार पट्टा मारने की जरूरत नहीं वहां पर चार कौन स्कल स्टर्नम वर्टिब्रल कॉलम रिब्स और वहां पर वेरी गुड बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन में टोटल बोन है 80 बोन पाए जाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है स्कल में 28 प्लस 1 क्योंकि आपकी बुक 28 लिखती है इसलिए मैं 28 लिखता हूं अदरवाइज मैं 29 लिखता 28 के साथ एक हायोइड बोन बोलो कौन हायोइड तो ये जो एक और लिखी है इसका नाम है हायोइड बोन और इसी बोन से टंग निकली थी याद आया आपको टंग मतलब जीभ तो 28 खोपड़ी में और एक जीभ वाली बोन दैट इज 28 प्लस 1 स्टर्नम आपके पास एक है गिनो 28 1 29 और 1 30 वर्टिब्रल कॉलम आपके पास 26 है पेयर की 26 तो रिब्स हैं 12 पेयर और जिसका मतलब है 24 अब गिन लो 24 और 26 50, 51, 52 और 28, 80 ये हड्डियां हैं आपकी बॉडी में एक्सियल स्केलेटन में इसके बाद पेक्टोरल गर्डल में दो दाहिनी तरफ दो बाईं तरफ तो कितने पेयर हैं एक पेयर और एक पेयर में कितनी बोन चार दो बोन इस तरफ
तो एक पेक्टोरल गर्डल में राइट साइड में दो बोन और लेफ्ट साइड में भी दो बोन, तो टोटल बोन हो गई चार, यानी कंधे में दोनों तरफ दो दो बोन, टोटल हो गई चार गर्डल में। फोर लिम्स में 30 बोन, दाहिने हाथ में 30, बाएं हाथ में 30, ओके टोटल कितनी हो गई 60, तो 30 गुणे 2 बराबर 60, क्योंकि फोर लिम्ब आपके पास दो हैं। पेल्विक गर्डल में दो बोन, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एक, लेफ्ट साइड में एक, तो टोटल दो बोन, ओके दो बोन हो गई। और हाइंड लिम्ब में अगेन 30, तो 30 गुणे 2 दैट इज 60, चलो गिनो 60 और 60 120 और 2 122 और 4 126 126 bones. So this is how 80 plus 126 bones are there. और जो कुल मिलाकर 206 हड्डियों का कैलकुलेशन आपकी बॉडी में रखते हैं, ये 206 हड्डियां हैं जो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इनमें से हर एक हड्डी का कुछ ना कुछ आइडिया बुक ने दिया है, बहुत सारा नहीं लेकिन कुछ ना कुछ, ताकि जब तुम MBBS करने जाओ तो तुम्हें एक आधी हड्डियों के नाम मालूम हो। यस जल्दी बोलो, एक्सियल स्केलेटन में कितने कंपोनेंट? 4। अपेंडिकुलर में 4। पहले कंपोनेंट पकड़ोगे तभी आएगा, कौन कौन सा कंपोनेंट? स्कल, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स। अब बताओ स्कल में 28 प्लस 1, क्योंकि वो ना तो स्कल में माना जा रहा ना वर्टिब्री में माना जा रहा, तो कहां लिया जाए? तो स्कल के बेस में मानते हैं, हायोइड। बोलो हायोइड। अगर आप MBBS में करने जाओगे तो 29 पढ़ाई जाएंगे, NCERT 28 पढ़ा रही, तो हम NCERT वाली बात लगाएं। तुमसे पूछा जाए स्कल में कितना, तुम बोलो 28। NCERT ऐसे ही बोलते, एक कौन? हायोइड। स्टर्नम 1, वर्टिब्रल कॉलम 26, रिब्स 14, 12 पैर का मतलब 24, 12 दाहिनी तरफ 12 बाईं। चलो पेक्टोरल गर्डल में 2 दाहिना 2 बाएं, मैं गिनाऊंगा कौन कौन सी, 2 दाहिनी और 2 बाएं, ओके। फोर लिम 30 और 30 60, 2 और 2 4, अच्छा 30 और 30 60, 1 और 1 2, तो 3 चौके 12, 30 120, 22 24 25 26, कितनी 126, और ये कितनी 80, टोटल 206। वैसे भी आपको पहले से आता था, हटा रहा हूं। अब एक एक बोन उठाते हैं, सबसे पहले स्कल, स्कल हिंदी में बोलते हैं खोपड़ी। यस प्लीज मजाक मत करना, क्योंकि कई बार आप लोग इस शब्द को मजाक के तरीके से लेते हैं, हिंदी में बोलते हैं खोपड़ी, दैट इज नोन एज स्कल। स्कल इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, ध्यान सुनना। वन इज नोन एज ब्रेन बॉक्स, ऑल्सो नोन एज क्रेनियम, ईयर ऑसिकल कान की बोन, एंड फेसियल बोन फेस की बोन, फेसियल बोन्स। आसान है, अगर आप अच्छे तरीके से पूरी स्कल को देखोगे, पूरा स्कल स्टार्ट फ्रॉम हियर टू हियर, देखो ध्यान से, ये पूरा स्कल है आपका दिस, बट ये ब्रेन नहीं बनाता फेस बनाता है, ये ब्रेन नहीं बनाता फेस बनाता है, ये ब्रेन नहीं बनाता फेस बनाता है, नोज ब्रेन नहीं बनाती फेस बनाता, तो ये रीजन कौन सा है? फेसियल। पर जो ब्रेन को कवर कर रहा, दिस इज क्रेनियम, क्रेनियम, और जो कान की बोन है, अब कान तो यहां है नहीं तो दिखेगा नहीं, और ये रियल स्केलेटन भी नहीं है जो दिख जाए, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो अब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा आपके पास पूरे स्कल में क्या है, पहले तो फेस है, क्या है? जिसपे आप इतना गुमान करते हो, ऐसा दिखता है, समझे राजन? चाहे जितना हेयर बैंड लगाओ,
ऐसे ही जाएगा एक दिन सरसैया घाट। हमारा भी इस दुनिया में जो भी है सबका साथ ऐसे ही जाएगा। हाँ हाँ हमारा तुम पहले करवाओ, और जिस दिन हम गए तो छोड़ने भी नहीं आओगे कि कहाँ जलाए जा रहे हैं सर, आओगे मतलब तुम चाहते हो। ठाकुर साहब अचानक आज अवतरित हो गए, लड्डू बंटवाए, जब मन आया तब आ गए, जब मन आया नहीं आए, और तुम नहीं रहे तो यहां पर बताओ पूरा इनडिसिप्लिन हो गया। तुम रहते हो तो कम से कम वो इलाका हमको सुरक्षित लगता है। ऐसा कैसे जिंदगी चल रही है, क्या हाल चाल है चित्रकूट के, सही है? अच्छा खैर कोई बात नहीं, ये देखो स्कल है, बोलो क्या स्कल, आगे फेस, और जो ब्रेन को कवर करे दैट इज ब्रेन बॉक्स। फिर से बोलो। तो सर ये फेस है सर, चेहरा धुल रहे, चेहरा यहां से शुरू नहीं होगा, जब तक बाल है तब तक चेहरा यहां से शुरू, मेरा चेहरा काफी दूर से यहां से, मैं दिखा दे, तुम्हारी इच्छाएं बड़ी वाइल्ड है यार बेटा, हम तुम्हारे पापा हैं, दिखा दीजिए दिखा दीजिए, लो दिखा दिया, ऐसे नहीं चलेगा, बहुत एक्सपीरियंस है, तुम का चाहते हो ये बताओ, खोपड़ी है? हम बताओ स्कल, हाँ स्कल नहीं है ये, क्रेनियम, बोलो क्रेनियम, दिस इज फेस, हाँ, और ये ईयर ऑस्टिका, पक्का? चलो अब इनको तीन पार्ट में डिवाइड करके एक एक करके पढ़ना है, और इनके बारे में जो भी काम हो सकता है। भैया प्रभु ब्रेन बॉक्स क्रेनियम टोटल 8 बोन, ईयर ऑसिकल 3 बोन इन ईच ईयर, तो कान कितने हैं 6, 3 दुनी 6, और फेसियल बोन में 14, तो 8, 6, 14 और 14, 28, 14 + 14, 28, ये 28 बोन का लेखा जोखा, अभी एक हायोइड बची है वो पढ़ा देंगे। सो ब्रेन बॉक्स की बोन्स पहले लिखेंगे फिर समझेंगे, समझा भी देंगे, 8 बोन के नाम लिखेंगे, जरूरी नहीं है आउट ऑफ कोर्स है ये, जिसका मन ना हो 5 मिनट बर्बाद समझ ले कि सर ने कर दिए और उसके बाद मुझे माफ कर दे, पर सुन लो एक बार, सुनना जरूरी होता है। बड़ा बड़ा लिखेंगे बेटा, पहली बोन है फ्रंटल जो कि सिंगल बोन है, एक बोन है, पीछे वाली बोन है ऑसिपिटल, ये भी सिंगल बोन है अकेले, 2 बोन है पेराइटल, ये दाई और बाई है पेराइटल है, इसके बाद फ्रंटल ऑसिपिटल पेराइटल के अलावा टेम्पोरल बोन है, ये भी 2 है, एक स्फिनॉइड है और एक इथमोइड है, गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इनकी पोजीशन, ये बहुत अच्छा नहीं है, अपनी बॉडी सबसे अच्छी होती है, ये मैं पहली बार यूज कर रहा हूं, अदरवाइज मुझे यूज नहीं करना है, मैं अभी आपकी बॉडी में ये सब दिखाऊंगा। जो माथा है फ्रंटल, ये वाला फ्रंटल, जो ये बोन है ऑसिपिटल, चलो ये वाली ऑसिपिटल, ओके, जो साइड में 2 है पेराइटल, फिर से बोलो पेराइटल, बोलो पेराइटल, और जो कान के ऊपर है टेम्पोरल, कान को टेम्पल बोलते हैं, बोलो टेम्पल, तो टेम्पल के ऊपर टेम्पोरल, चलो बोलो ये वाला फ्रंटल, ये वाला पेराइटल, ये वाला पक्का, ये वाला ऑसिपिटल,
अब बक्सा चारों तरफ से बंद है, सोचो बक्से के बारे में सोचो, बक्से का ऊपरी पोर्शन पेराइटल, बक्से का साइड टेम्पोरल, बक्से का पीछा, बक्से का आगा, तो फिर नीचे सर बक्सा, बक्सा समझते हो, बक्सा एक क्यूबॉइड है, क्यूब है या क्यूबॉइड है, तो यहां नीचे भी तलटी तो होगी, तो दो बोन एक स्फिनॉइड इधर से गई और इधर निकली, इधर से गई इधर निकली, स्फिनॉइड और इथमॉइड, तो बक्सा बंद नहीं है। आया आया बोलो, ये कितना ए ऑसिपिटल ए पैराइटल दो टेम्पोरल आगे बंद पीछे बंद साइड बंद ऊपर बंद ऊपर ऊपर बंद पैराइटल साइड बंद आगे बंद नीचे बंद। तो क्या बक्सा नीचे से तली टूटी है? यस सर। तो तली में कौन? इथमॉइड एंड स्फिनॉइड। किसी को सेला टर्सिका याद है? स्पिनॉइड वो ग्लैंड याद है? पिट्यूटरी पक्का? ब्रोन बेन का हाइपोथैलेमस याद है? तो हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी और स्पिनॉइड के ऊपर वो सेला टर्सिका, उसमें कौन सी ग्लैंड? नहीं आया? आया। अब चलो जल्दी से देख के बताओ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला नीचे, अगर मैं यहां से दिखाओ तो ये पैलेट है, इसके अंदर होगा, पैलेट के अंदर होगा इसलिए दिखेगा नहीं। तो अगर मैं हाँ फोड़ दे, ये रियल नहीं है, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस निकलेगा, इट्स नॉट रियल। अगर फोड़ोगे तो अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस निकलेगा। अगर रियल ही देखना है चलो मेरे साथ मेडिकल कॉलेज में, हर बच्चे के पास, फर्स्ट ईयर के हर बच्चे के पास स्कल होता है, उसको हड्डियां पढ़नी होती हैं, 206 हड्डियों के बारे में हमें जानना होता है, तो कम से कम स्कल, स्कैपुला, फीमर और ह्यूमरस, इन सब तरीके की हड्डियां तो हमारे पास बिस्तर में ही सोती हैं। ये फर्स्ट ईयर में आपके साथ भी सोएंगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको कंकाल लेकर के सोना पड़ेगा, एक दिन तुम्हारे गार्जियन तुम्हारे हॉस्टल विजिट करेंगे, ये क्या, चलो नहाओ, हड्डी छूली, उन्हें क्या मालूम कि रोज हड्डियों के साथ जिंदगी गुजर रही है। इट्स इन फर्स्ट ईयर, मजा आता है, आपको मजा आएगा, लेकिन सेलेक्ट होना जरूरी है। और कई बार मुझे लगता है कि बच्चों को मेडिकल कॉलेज घुमाना चाहिए ताकि उनको पढ़ने की लालसा और बढ़े। आपको जो व्हाइट एप्रन का जो वो चीज है कि वो जब व्हाइट एप्रन आप डालते हो और जब आप एक स्टेथो अपनी और जब आप चलते हो लोग देखते हैं डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, वो जो फीलिंग है उस फीलिंग के लिए आपको थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। तो जब आपका मन करने लगे कि यार पढ़ने में मन नहीं लग रहा, सो गो एंड विजिट द जीएसवीएम, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अंदर घुस सकते हो, कोई मतलब नहीं, हैलेट की तरफ मत जाना, जीएसवीएम के कॉलेज के अंदर घुसो, एक चक्कर लगा के आओ, कितनी शानदार जिंदगी जी रहे लोग, करियर बनने को तब तुम्हारा मन करेगा चलो चुपचाप पढ़ाई करो, अगर ये चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो अब बोन हमारी बच्चे बता दो, ब्रेन बॉक्स, फ्रंटल, ऑसिपिटल, पैराइटल, टेम्पोरल, स्माइल, स्पिनॉइड, इथमॉइड और स्पिनॉइड, पक्का? ये आठ बोन हो गई। इसके बाद और ईयर ऑसिकल, मैलियस, इंकस, दूसरी बोन है इंकस, और तीसरी स्टेपीज, आपकी बॉडी की सबसे छोटी बोन, स्टेपीज, स्मॉलेस्ट बोन, स्टेपीज, मैलियस, इंकस एंड स्टेपीज, तीन बोन है और दो कान में, तो तीन दो नहीं छह। अब आई फेसियल, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होगी वो यही है, पर अगर 5 मिनट आपने ध्यान दिया तो आपको ये भी सही लगेंगे। चलो मेरे साथ सारे लोग ये परफॉर्म करेंगे अपनी बॉडी में, फिर इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे। चलो नेजल बोलो, छू कर देखो, ठीक है,
एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड नेजल, बोलो नेजल, नाक की बोन दैट इज नेजल। अब आप तो डाल नहीं पाओगे, मैं डालता हूं, लैक्राइमल, जहां से आंसू निकलते हैं, बोलो लैक्राइमल, फिर से बोलो, हाँ मैं एक बार बोल रहा हूं, बोलो नेजल और लैक्राइमल, लैक्राइमल, थैंक यू वेरी मच। नेजल के बाद लैक्राइमल हो गए, ओके। पैलेट बनाने वाली, पैलाटीन, बोलो पैलेट बनाने वाली, पैलाटीन, मैक्सिला भी बनाती है, पैलाटीन भी बनाती है। इसके बाद नेजल के नीचे कॉन्का, इन्फीरियर नेजल कॉन्का, इन्फीरियर मतलब नीचे, नेजल मतलब नेजल, कॉन्का मतलब कॉन्का, यानी हड्डी, नाक की अंदरूनी हड्डी, इन फॉलो, इन्फीरियर नेजल कॉन्का। अब मैं चार पढ़ाऊंगा तभी आगे चलूंगा, बोलो नेजल, फिर से बोलो लैक्राइमल, ओके फिर से बोलो नेजल लैक्राइमल पैलाटीन, फिर से बोलो पैलाटीन, इन्फीरियर नेजल कॉन्का, जाइगोमैटिक, नाउ अडेज इट इज कंसिडर्ड एज ब्यूटी बोन, पहले कॉलर बोन को भी ब्यूटी बोन बोलते थे, अब जिस भी मॉडल की ये बोन ज्यादा उभरी होती है वो बोलते बढ़िया मॉडल है, यस इट इज जाइगोमैटिक, फिर से बोलो ये उभार देखो, इट इज जाइगोमैटिक आर्क, दैट इज जाइगोमैटिक, ओके। मैक्सिला, बोलो मैक्सिला, फिर से बोलो मैक्सिला, जिसमें दांत है वो मैक्सिला, मैंडिबल, बोलो मैंडिबल, मैंडिबल हो गया ऊपर वाला मैक्सिला, नीचे वाला मैक्सिला, और वोमर, बोलो वोमर, वोमर दिख नहीं पाएगी क्योंकि अंदर होती, वो देखी नहीं जा सकती। चलो मैं लिख रहा हूं, आप मेरे साथ नाम लिखेंगे, यस, नेजल, और आज के बाद भूल जाएंगे क्योंकि ये आउट ऑफ कोर्स है, मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए था, बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहिए, मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं, पर जस्ट फॉर कॉमन सेंस एक बार सुन लो फिर भूल जाना, इट इज नॉट, कभी पूछा नहीं जाएगा, ये पूछा जाएगा, ये पूछी जा सकती है, ये कभी नहीं पूछी गई और ना पूछी जाएंगी, इट इज यूजलेस। तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैंने इन दोनों को पढ़ाया है इसलिए पढ़ा रहा हूं, तो ऊपर लिख लेना यूजलेस, क्या लिख रहा, पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो बार बार इनको भी रट्टा मारने की जरूरत हो। नेजल, नेजल के बाद लैक्राइमल, लैक्राइमल दो, लैक्राइमल के बाद आपको याद रखनी पड़ेगी पैलाटीन, पैलेट बनाने वाली, पैलाटीन दो, इनके बुलावे मत आना, यूजलेस है ये, पैलाटीन, इसके बाद इंफीरियर नेजल कॉन्का, इंफीरियर नेजल कॉन्का दो, इसके बाद आएगी जाइगोमैटिक, उभार वाली जो आपकी फेस में उभार लाती है, जाइगोमैटिक दो, इसके बाद मैक्सिला दो, और इसके बाद मैंडिबल एक, मैंडिबल अकेली एक बोन है पूरी दाएं से बाएं तक, मैंडिबल एक, और वोमर एक, गिनो, दो चार छ आठ दस बारह तेरह चौदह, यूजलेस, ऊपर लिखो यूजलेस, इसमें दो केवल यूजफुल है, मैं उन पे अंडरलाइन कर दे रहा हूं, टू बोन्स आर यूजफुल, मैक्सिला अपर टीथ, मैक्सिला मैंडिबल लोअर टीथ, बस बाकी सब यूजलेस, आउट ऑफ कोर्स, पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इनको पढ़ाया तो मैंने कहा वो भी पढ़ा देता हूं। अब इधर देखो सारे बच्चे, पहचानना तुम्हें, बोलो नेजल, बोलो बोलो लकरा, पक्का पैलेट, पैलेट इंफीरियर नेजल कॉन्का, मैक्सिला मैक्सिला, वोमर दिखेगी नहीं, वोमर याद रहेगी। चलो टोटल कितनी हो गई, 14, तो 14 और 14 28, और याद रखना ये भी देख ही लो,
इज द बेस ऑफ नेक पर इस जगह पर एक यू शेप बोन. कैसी यू? प्लीज सी माई फिंगर्स. मेरी फिंगर को देखने की कोशिश करिए. यू शेप अकेली बोन है, दैट इज नोन एज हायोइड. बेस ऑफ नेक बोलो या फिर बेस ऑफ टंग. टंग के बेस पर एक यू शेप बोन है, दैट इज नोन एज हायोइड. ओके, सो वन मोर बोन विच इज यू शेप एंड इट इज हायोइड. टोटल 29 बोन, और इसीलिए मैंने स्कल में लिखाया था 28+1. थैंक यू. क्या नहीं आया बोलो? आ गया? किसी को नहीं आया तो पूछ लो बेटा, आ गया? चलो एक बार अपनी बॉडी पे ध्यान दोगे तो सब कुछ आएगा. जो जो मैं पूछता जाऊं बताओ. ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, पक्का? तो ये हो गई 6. और आगे इथमॉइड, पीछे हो गया 8 बोन हो गई. अब बताओ. इंफीरियर नेजल कॉन्का, पहला टर्म. जाइगोमैटिक, मैक्सिला, मैंडिबल, ठीक. इसमें बहुत ज्यादा ध्यान मत लगाओ, इसमें केवल दो. कौन कौन? मैक्सिला और मैंडिबल. अपर टीथ, लोअर टीथ, बस यही दोनों इंपॉर्टेंट है. ये तीनों इंपॉर्टेंट है. बोलो कौन? मैलियस, इंकस, स्टेपीज. ऑल थ्री आर इंपॉर्टेंट. स्मॉलेस्ट स्टेपीज कान में पाए जाते हैं, और इनके नाम आपको याद ही होने चाहिए. माथे की, ये पूछी भी गई है. फोर हेड की बोन बताइए, पूछी भी गई है. फ्रंटल, बोलो कौन? फ्रंटल. अच्छा इधर वाली, ऑस्कुलर. ये वाली पैराइटल, टेम्पोरल, स्पिनल. हटा दें. चलो भाई, तो भाई एक कंपोनेंट तो गया. एक्सियल स्केलेटन का एक कंपोनेंट क्या था? स्कल. दूसरा है स्टर्नम, ऑल्सो नोन एज चेस्ट बोन. ये तीन बोन के, तीन या चार बोन के फ्यूजन से बनती है, लेकिन अब एक हो चुकी है, एंड दैट्स व्हाई ये कुछ ऐसी दिखती है, लाइक दिस. चेस्ट बोन, स्टर्नम, सिंगल बोन. आपने देखा होगा मैंने दो डिप्रेशन दिखाए हैं. ये जो दो डिप्रेशन है यहां पर आकर के क्लेविकल, दैट इज कॉलर बोन. कौन सी बोन? कॉलर बोन आपकी यहीं पर अटैच होती है. ये हसली, पसली की हसली. क्लेविकल इज हसली और दिस इज पसली. सो स्टर्नम में आपने देखा दोनों तरफ क्लेविकल आकर के जुड़ी हुई है. ये बाद में फिर से दिखाऊंगा जब मैं आपको अपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ाऊंगा, अपेंडिकुलर स्केलेटन. और ये जो बोन है इट इज नोन एज स्टर्नम. और कुछ नहीं पढ़ना. जब कभी भी आप किसी कार्डियक सर्जरी को करने जाएंगे, हार्ट की ओपन हार्ट सर्जरी करने जाएंगे, आपको ये बोन काटनी पड़ती है. तो जितने कार्डियक सर्जन होते हैं वो एक आरी लगाते हैं, इलेक्ट्रिकल आरी होती है, क्रर करके पहले स्कल बोन, ये वाली सॉरी देसी स्टर्नम बोन को काटते हैं, पियर्स करते हैं, हार्ट पे एंट्री करते हैं, वॉल्व ठीक करना है, बाईपास सर्जरी करनी है, तो ये करना पड़ता है. दैट इज नोन एज ओपन हार्ट सर्जरी. बोलो क्या? तो अगर एक क्वेश्चन बन सकता है तो बन सकता है ओपन हार्ट सर्जरी में कौन सी बोन काटी जाएगी. और इसीलिए बोला जाता है हार्ट कहाँ है? बाई तरफ, बीच में. अगर बाईं तरफ होता तो क्या काटी जाती? रिब्स. समझ रहे हो? तो हटा दे रहा हूं मैं, हटा दूं. सो दिस इज समहाउ स्टर्नम. स्टर्नम खत्म हो गई. स्टर्नम के पास वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम.
these column are made up of small bones, छोटी छोटी bones की बनी हुई है, and these bones are known as vertebrae. ये छोटी छोटी bones की बनी हुई बेटा है पूरा column vertebrae. किसी भी एक टिपिकल वर्टिब्री को देखोगे तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस दिखाई पड़ेंगे. प्रोसेस मतलब होते हैं अपेंडेजेस, और उसमें एक सेंट्रल पोजीशन पर कैविटी भी दिखाई पड़ेगी, और इस सेंट्रल पोजीशन की कैविटी से स्पाइनल कॉर्ड पास करेगी. क्या पास करेगी? स्पाइनल कॉर्ड. थोड़ी देर के लिए पेन छोड़िएगा, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला. मैं बहुत सालों से पढ़ाया है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा. पेन छोड़ ही दीजिएगा तभी समझ में आएगा. जब भी आप ब्रेन की बात करते हो, हालांकि मैंने ब्रेन नहीं पढ़ाया लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं, आप बात करते हो कि सबसे आगे वाला ब्रेन फोर ब्रेन, बीच वाला मिड ब्रेन, सबसे नीचे वाला हाइंड. और जब मैं हाइंड ब्रेन की बात करता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि देयर इज सेरिबेलम. बोलो, तो हमारे पास सेरिबेलम है. बोलो क्या है? सेरिबेलम. और हम बात करते हैं पॉन्स. बोलो क्या? पॉन्स. और पॉन्स के आगे हम बात करते हैं मेडुला. बोलो, मेडुला. बहुत बार पढ़ाया. बोलो क्या? मेडुला ऑब्लोंगेटा. बोलो, बताओ ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? पॉन्स. ये क्या है? मेडुला. बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा तक तो चीजें खोपड़ी के अंदर है. व्हाट इज खोपड़ी? स्कल. यानी वो किसकी कैद में है? और स्कल याद है? yes, स्कल में ये, थैंक यू वेरी मच, पैराइटल. ये वाला फ्रंटल, ये वाला इथमाइड स्पिना. पक्का? तो जो हाइंड ब्रेन होगा वो फ्रंटल की तरफ होगा कि ऑसिपिटल? और कहते हैं ऑसिपिटल बोन में एक छेद होता है, और उस छेद का नाम है फोरामेन ऑफ मैग्नम. फिर से बोलो, इट इज नोन एज फोर. अभी दिखाऊंगा मैं, चिंता मत करो, लिखना नहीं, मैं फिर बोलूंगा, खूब लिख लो. और उस फोरामेन मैग्नम के बाद भी ब्रेन रुकता नहीं है, ब्रेन आगे कॉन्टिन्यू रहता है. और ब्रेन आगे कॉन्टिन्यू हो जाता है और अब इसका नाम स्पाइनल कॉर्ड है. बोलो, इसका मतलब स्पाइनल कॉर्ड नाम की चीज जो है वो हार्ड चीज है कि सॉफ्ट? हार्ड. क्योंकि वो किसका पार्ट है? ब्रेन का. और इस स्पाइनल कॉर्ड को कवर किए बैठी हैं हमारी वर्टिब्री. कौन? वर्टिब्री. और यही वर्टिब्री हैं जो 26 वर्टिब्री हैं, पर वो हार्ड होने के साथ साथ बीच में कैविटी भी देंगी. क्या देंगी? कैविटी. और उन्हीं कैविटी से क्या निकलेगा? स्पाइनल कॉर्ड. बोलो क्या? स्पाइनल कॉर्ड. अरे इसमें तो यार टिटनेस कर देगा ये. सी दिस इज, भूल गया, ये बोलो फ्रंटल है. yes, ये ऑसिपिटल. यहां तक ऑसिपिटल आई है. दिस इज ऑसिपिटल. ये कल मैंने बनाया. ये जो छेद है इसका नाम है फोरामेन ऑफ मैग्नम. फिर से बोलो, फोरामेन ऑफ मैग्नम से कोई चीज निकली होगी, उसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा. फिर से बोलो, और ये फोरामेन ऑफ मैग्नम से मेडुला ऑब्लोंगेटा एंट्री करेगी इन 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 हड्डियों में, इन हड्डियों में, और इन हड्डियों की इस कैविटी में ही घुसेगी. सी दिस, अरे उस साइड के काका रुको, अब यहां से देखना जितने लोगों को दिखाई पड़ा, बाकी लोगों को आगे देखना. बोलो, ये वाली बोन पॉसिबल है? अरे सामने से देखो तो समझ में आएगा. ये वाला अपने आपसे
पीछे गया दिस हॉस्पिटल है कुछ नहीं होना चाहिए मेरी जाइगोमैटिक बोन है चूड़ी का पेन चूड़ी चूड़ी जो खनके हाथों या पिया से आने लगी थी मेरी रातों में चूड़ी जो खनके हाथों मेरी जान सब चूड़ियां एक कैविटी जब दूसरी कैविटी के साथ जुड़ती जाती है तो साइड से कवरिंग मिलती है पीछे वाले बच्चा पढ़ा रहे हैं इससे क्या निकला चूड़ी कैनाल वर्टिकल कॉलर लास्ट क्या 28 फरवरी लास्ट फरवरी खत्म 4 महीने बचे यार सुभाष ने 4 महीने बचे बस 4 महीने 4 महीने यार सुभाष ये सब क्या कर रही हो ये सब क्या कर रही हो यार चलो सुभाष वो केडी सर वाला गेम खेला जाए हाइट वंस करके जूता मारना है यार ये सब क्या बालों से कोई खेल नहीं आपका आप यहाँ आए इसलिए आपने बुलाया इसलिए बहन प्लायबल नहीं है वो टूट गया ना फ्रैक्चर हो जाएगा मेरा हाल चट क्यों नहीं बोलती चट इसलिए नहीं बोलती क्योंकि तुम नहीं कर रही हो तुम तेजी से करो तो चट बोलेंगी ध्यान से ये नहीं बोलेगी प्लाइबल है ये सो फॉर ऑनलाइन पीपल ध्यान से देखो ये वाला फ्रंटल
ये वाला पेराइटल, ये वाला ऑसिपिटल, ऑसिपिटल में ये फोरामेन ऑफ मैग्ना, क्या निकला ब्रेन, कहां घुसा वर्टिब्री, तो क्या हर वर्टिब्री में कैनाल है, इससे क्या ले गया स्पाइनल कॉर्ड, क्या ले गया और स्पाइनल कॉर्ड बेटा किस कॉलम के अंदर छुपी रही वर्टिब्री, इसीलिए स्पाइनल नर्व कहां से निकलते हुए दिखाई पड़ेंगी वर्टिब्रल कॉर्ड, क्या वो वर्टिब्रल कॉलम से निकलती है, नहीं स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड कहां पर है वर्टिब्रल कॉर्ड, एंड दैट्स व्हाई आपका फोरामेन ऑफ मैग्नम विल कंटिन्यू इनटू द वर्टिब्री, तो पहली वर्टिब्री ऑसिपिटम से बहुत पास की बहुत दूर, बहुत पास, ताकि एटलस नाम की वर्टिब्री किसमें आ जाए ऑसिपिटम, फिर एक्सिस और फिर सारी वर्टिब्री एक कॉलम बना दे, नहीं आया, आया तो अब आपको इसी चीज को एज्यूम करना है, एज्यूम कर लिया जिंदगी भर रट्टा मारने से बच जाओगे, बोलो किसी भी वर्टिब्रल कॉलम में प्रोसेस होते हैं, बीच में कैविटी होती है, इससे क्या पास होती है स्पाइनल कॉर्ड, बताओ ऑसिपिटल बोन में कौन सा मैग्नम फोरामेन ऑफ मैग्ना, क्या चालू हुआ मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, और ये क्वेश्चन आया हुआ मेडुला ऑब्लॉन्गेटा आफ्टर फोरामेन ऑफ मैग्नम इज नोन एज स्पाइनल, वही मेडुला ऑब्लॉन्गेटा जो किसके बाद फोरामेन ऑफ मैग्नम के बाद क्या कहलाता है spinal. याद रखना पूरा वर्टिब्रल कॉलम, इसको टोटल हम लोगों ने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, पहला पार्ट जो है वो नेक रीजन का है दैट इज नोन एज सर्वाइकल, दूसरा पार्ट थोरेक्स रीजन का है दैट इज थोरेसिक, तीसरा पार्ट एब्डोमेन रीजन का है दैट इज एब्डोमिनल, चौथा उस पे जिस पे हम बैठते हैं दैट इज सैक्रल, और सबसे नीचे पूंछ है दैट इज कॉकिक्स, यही कॉकिक्स बाकी मैमल में पूंछ के रूप में आगे बढ़ती है टेल के रूप में, हम लोगों में टेल नहीं है तो कॉकिक्स बहुत बड़ी की बहुत छोटी, बहुत छोटी, तो चलिए बोलो कितने रीजन, तो वर्टिब्रल कॉलम में टोटल रीजन है 5, पहला बोलो सर्वाइकल, दूसरा बोलो थोरेसिक, तीसरा बोलो एब्डोमिनल, चौथा बोलो सैक्रल, फिर कॉकिक्स, देखना कितनी आसानी समझ में आ जाएगा, यही चीजों के लिए ये काम आते हैं, पकड़ेंगे आप लोग, बताइए ये वर्टिब्री हैं किस रीजन की, गर्दन की, कौन सी गर्दन, जमा मेरा हाथ है बोलो सर्वाइकल, ये थोरेक्स है, थोरेक्स के पीछे की, ये एब्डोमिन है, ये बोलो एब्डोमिनल, तो बोलो ये वाला लंबर, ये वाला सर्वाइकल, लंबर लंबर हो गया, अब देखो ये एक बोट शेप दिख रही होगी सैक्रल, और इसमें हिलती हुई पूंछ कॉकेट, तो बताओ ये क्या है, ये वाला हाँ सैक्रल, ये वाला लंबर, ये वाला थोरेसिक, ये वाला सर्वाइकल, फिर से बोलो ये वाला थोरेसिक लंबर, नहीं आया गर्दन में हाँ शाबाश, थोरेक्स के पीछे, पेट के पीछे हाँ लंबा, कॉकिक्स, कॉकिक्स बहुत बड़ी की बहुत छोटी, बहुत छोटी, कितने पार्ट में, 5 याद रहेगा, यहां पर 7 बोलो, यहां 12 बोलो, यहां 5 बोलो, यहां पर 1, यहां पर 1, एक बड़ी सी है लेकिन एक ही है, बहुत सारी बोन से मिलकर बनी है लेकिन एक है, और यहां पर 1 गिनो 7 12 5 1 1 गिनो 22 26 छोटी छोटी हड्डियां, इन्हीं का नाम है वर्टिब्री, चलिए तो सर्वाइकल में टोटल है 7, दीज आर नोन एज टिपिकल वर्टिब्री, याद रखना कभी भी कोई पूछे टिपिकल वर्टिब्री किस रीजन में पाई जाती है, आप बोलेंगे सर्वाइकल, थोरेसिक में 12 पेयर नहीं 12, एब्डोमिनल का दूसरा नाम है लंबर, बोलो
लंबर में टोटल है 5, सैक्रल में 1, कोकिक्स में 1। जो सर्वाइकल है इसकी पहली का नाम है एटलस और दूसरी का नाम है एक्सिस। एटलस जो जुड़ी हुई है, एवरीवन हियर बहुत ध्यान से देखना, वो जाकर जुड़ी है ऑसिपिटल बोन से। तो ये वाली बोन का नाम ऑसिपिटल बोन में छोटे छोटे उभार हैं एंड दीज उभार इज नोन एज ऑसिपिटल कोंडाइल। ऑसिपिटल कोंडाइल ऑसिपिटल बोन में दो हैं। एनी ऑसिपिटल कोंडाइल में हमारी पहली बोन नाम बताओ एटलस जा करके ज्वाइंट बनाती है। तो ये रही एटलस और इस एटलस में हमारा पाइवट ज्वाइंट बनता है एक्सिस के द्वारा। किसके द्वारा? एक्सिस के। ये जो डायग्राम है दीज आर रे डायग्राम नॉट द रियल डायग्राम। तो अगर मैं बताऊं ऑसिपिटम में कितने कोंडाइल? दो। इन कोंडाइल में कौन सी बोन जुड़ी है? एटलस। बोलो कौन? एटलस। और एटलस किसके ऊपर बैठी है? एक्सिस। तो एटलस और एक्सिस का ज्वाइंट है पाइवट। बोलो पाइवट इज नोन एज धुरी। बोलो धुरी। तो पाइवट में मूव करने के चांसेस पूरे हैं 180 डिग्री 180। लेकिन कोंडाइल कितने हैं? दो। तो कोंडाइल की वजह से आपकी एटलस फंस जा रही है इसलिए 90 डिग्री से ज्यादा नहीं घूम पा रही है। अगर यहां एक कोंडाइल होता कितना? एक। तो गर्दन आपकी 90 डिग्री घूमती कि 180? 180। यहां से वहां 180 होना, लेकिन यहां से यहां होना 90, यहां से यहां होना 90। 90 ही क्यों घूम पा रहा है? क्योंकि एक कोंडाइल दूसरे कोंडाइल को घूमने नहीं देता और इसीलिए हमारा स्कल है डाइकोंडाइलिक। बोलो क्या? सो आवर स्कल इज डाइकोंडाइलिक। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अब यहां देखो, हालांकि अगर ये रियल स्कल होता तो आप ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाते, लेकिन चूंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का है तो यहां पर एक उभार, यहां पर एक उभार, बोन का नाम ऑसिपिटल, ऑसिपिटल कोंडाइल, जिसमें से पहली बोन, बोलो एटलस, यहां पर होते हैं, सॉरी यहां पर कोंडाइल होते हैं, यहां पर, यहां पर। तो बोलो कौन सी? ऑसिपिटल कोंडाइल। क्या जुड़ती यहां बता के मैं गलत बोल रहा हूं? ये रहा, ये अंदर, यहां पर एक देखो उभार, यहां पर एक उभार, दोनों उभार मिलकर के जुड़े। बोलो कौन सा? एटलस और ऑसिपिटम। कितने कोंडाइल? दो। कंडीशन डाइकोंडाइल। और नीचे की तरफ से कौन सी है? एक्सिस। तो एटलस के नीचे एक्सिस, एक्सिस और एटलस के बीच में पाइवट और एटलस और ऑसिपिटम के बीच में कोंडाइलर। बोलो कोंडाइल। कितने कोंडाइल? दो। कंडीशन डाइकोंडाइल। पक्का? तो बताओ 7 बोन में से 2 के तो नाम हमें मालूम है, 2 के नाम बताओ, एटलस और एक्सिस। लो, लगा देंगे, रुक जाओ रुक जाओ, ध्यान से सुनोगे तभी तो आएगा। कितनी बोन? 7। कितनी बोन? 7। कितनी? 5। कितनी? 1। कितनी? 1। याद रखना 7-12 में से चाहे कितनी भी लंबी गर्दन ना हो, चाहे आप ऊंट हो चाहे जिराफ हो, आपके पास वर्टिब्री केवल कितनी है? 7। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ जिराफ की गर्दन में कितनी वर्टिब्री? सर्वाइकल कितनी? 7। अरे गर्दन में पूछ रहे तो सर्वाइकल ही होगा, गर्दन में सर्वाइकल, थोरेक्स में 12, पेट के पीछे 5, पेट के पीछे 5, और बोलो सैक्रम 1, कॉकिक्स 1, 7 12 5 1 1। क्या निकल गया? वर्टिब्रल कॉलम। इनमें से टिपिकल वर्टिब्री कौन सी? सर्वाइकल। पहली दो एटलस और एक्सिस, एटलस और ऑसिपिटल के बीच का ज्वाइंट कोंडाइलर ज्वाइंट। बोलो कितने कोंडाइल? 2। कंडीशन डाइकोंडाइल।
और एक्सिस और एटलस के बीच में पाइवट धुरी ज्वाइंट, जैसे कि चक्की होती है गांव वाली, एक चक्की के पार्ट के ऊपर दूसरा चक्की का पार्ट धुरी की तरह घूमता है, दैट इज नोन एज पाइवट। बोलो पाइवट, व्हाट इज पाइवट? धुरी। तो धुरी ज्वाइंट किसके बीच में? एटलस और एक्सिस। और कॉन्डाइलर ज्वाइंट, ऑसिपिटल कॉन्डाइल और एटलस, कितने कॉन्डाइल? दो। yes, sir. बोलो डाई कॉन्डाइल। टोटल कितनी हो गई? सात, बारह, बारह सात उन्नीस, पांच चौबीस, पच्चीस छब्बीस, हटा दे, जाने देते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम निपट लिया भाई। वर्टिब्रल कॉलम के बाद बची रिप्स, बोलते हैं पसली। पसली, दीज रिब्स आर 12 पेयर्स अटैच बिटवीन स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम। किसी किसके बीच में? अब स्टर्नम हमें मालूम नहीं है, मालूम है ये कौन है? स्टर्नम। और ये कौन है? वर्टिब्रल। तो स्टर्नम और वर्टिब्रल, वर्टिब्रल कॉलम से स्टर्नम के बीच में। आया? लोग रिप्स को केवल यही बोलते हैं, नहीं, वर्टिब्रल कॉलम से स्टर्नम तक रिप्स। क्या ये रिप्स आ गया? कितने पेयर? बारह। कितने पेयर? बारह। अब ध्यान सुनना, 12 पेयर, और 12 पेयर रिप्स को तीन पार्ट में डाटा गया है, ट्रू रिप्स, फॉल्स रिप्स, फ्लोटिंग रिप्स। ट्रू रिप्स, फॉल्स रिप्स, फ्लोटिंग रिप्स। केवल स्टर्नम के रेस्पेक्ट में दिखा रहा हूं मैं, पहले स्टर्नम के रेस्पेक्ट में ही दिखा पाऊंगा, क्योंकि भाई या तो आगे से देख पाओगे किसी स्ट्रक्चर को, या तो फिर पीछे साइड से। मैं अभी आगे साइड से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज यार मजाक नहीं चाहिए। ये तो स्थान क्लेविकल का चला गया, इसके बाद यहां से निकले हैं बेटा हाइलाइन कार्टिलेज, एक दो तीन चार पांच छ, एक दो तीन चार पांच छ सात। ये जो हाइलाइन कार्टिलेज हैं, ये स्टर्नम से निकले, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब इन हाइलाइन कार्टिलेज में रिप्स आकर के जुड़ रही हैं, पीछे से आई पहली रिप्स, अब मैं बना नहीं सकता ना पीछे वाला, दूसरी रिब्स, तीसरी रिब, चौथी रिब, पांचवी, एक बीच में छूट गई छठी, ये रही सातवीं। कितनी रिब्स आ गई? सात। पता ये सात की सात रिब्स सीधे स्टर्नम में जुड़ी थी, कॉर्डलेस, हाँ कॉर्डलेस, लेकिन वो किसमें प्रेजेंट है? स्टर्नम। बोल दो स्टर्नम। स्टर्नम नाम की बोन में हायलाइन नाम का कार्टिलेज है, हायलाइन कार्टिलेज है, और इस हायलाइन कार्टिलेज में आ करके सात पेयर बोन्स, जो कहां से आ रही हैं? वर्टिब्रे से, और कहां जुड़ रही हैं? स्टर्नम। इन सात पेयर बोन्स को हम लोग बोलते हैं ट्रू वर्टिब्री, सॉरी ट्रू रिप्स, एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज वर्टिब्रो स्टर्नल रिप्स। देखो नाम इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल मैं तुमको कर रहा हूं। कहां से निकली? वर्टिब्रो। कहां गई? स्टर्नम, एंड दैट्स व्हाई वर्टिब्रो स्टर्नल रिप्स। नाम आ रहा है वर्टिब्रो स्टर्नल रिप्स।
अब जो सातवां बेटा हाइलाइन कार्टिलेज है, दिस सेवेंथ हाइलाइन कार्टिलेज, ये थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड है, और इस सातवें हाइलाइन कार्टिलेज में ओके आठवीं नवीं और दसवीं, आठवीं नवीं और दसवीं रिप्स भी आकर के जुड़ रही हैं। पर याद रखना ये स्टर्नम की बजाय कार्टिलेज में जुड़ रहे हैं। किसमें जुड़ रहे हैं? कार्टिलेज। और वो कार्टिलेज किसका है? सातवें का। देखो ये वाली रही सातवीं, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात रिप्स आपने देख ली। अब ये सातवीं रिप्स में कार्टिलेज थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, यानी रिप्स में ही पहुंच गया। तो इस सातवीं रिप्स के कार्टिलेज के साथ आठवीं बोन स्टर्नम में ना जाकर इसी रिब में जाकर के नवीं बोन और दसवीं बोन आकर के जुड़ रही हैं। तो सात के पास तीन ऐसी बोन है जो स्टर्नम ने ना जाकर के कार्टिलेज में अटैच होती। किसमें? ये तो सीधे स्टर्नम में जा रही है वाया कार्टिलेज, और ये सीधे कार्टिलेज में जा रही है, स्टर्नम में पहुंच नहीं रही है। ऐसी बोन को हम लोग बोलते हैं फाल्स रिप्स। बोलो। और दीज आर नोन एज वर्टिब्रोकोंड्रल रिप्स। वर्टिब्रोकोंड्रल रिप्स, नाम अपने आप बताता है कि मेरा नाम वर्टिब्रोकोंड्रल क्यों है। मैं निकली कहां से? कहां गई? स्टर्नम नहीं, कहां? कॉन्ड्रम। कॉन्ड्रम मतलब कार्टिलेज। और दो रिप्स ऐसी हैं जो वर्टिब्री से निकली हैं लेकिन कहीं जुड़ी नहीं है। दीज आर नोन एज फ्लोटिंग। कहीं भी नहीं जुड़ी, ना स्टर्नम में ना कार्टिलेज में, फ्लोटिंग। बहुत बढ़िया विजिबिलिटी है, बहुत अच्छी बात है कि हम पहली बार इसे समझ पाएंगे। सी दिस, बोन नंबर एक दो तीन चार पांच छह सात, ये सात, खड़े हो खड़े हो खड़े हो खड़े हो, क्या समस्या होगी? नहीं डांटेंगे, डांटना छोड़ दिया कल से। क्या समस्या होगी? उसको भी खड़ा करो। प्रभु क्या गलती कर रहा हूं मैं? कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दो, बैठ जाओ। कहां से निकली? वर्टिब्रिस से। कहां गई? कहां से निकली? कहां गई? कितनी? सात। ये रही सातवीं, ये देखो सातवीं, जहां मेरा अंगूठा है। अब इस सातवीं के पास ही आठवीं नवी दसवीं, स्टर्नम में कि कार्टिलेज में? और ये रही दो, ये रही दो, कहां से निकली? वर्टिब्री से। कहीं जुड़ी कि नहीं जुड़ी? ये क्या है? फ्लोटिंग। ये देखो, बोलो क्या है? फ्लोटिंग। ये कहां से निकली? वर्टिब्री से। कहीं जुड़ी नहीं? तो बोलो सात तीन दो, फिर से बोलो सात तीन दो, सात दो तीन और दो, फाल्स। क्यों? क्योंकि वो स्टर्नम में डायरेक्ट जुड़ी, तो किसमें जुड़ी है? कार्टिलेज। किसके कार्टिलेज? सातवें। इसलिए ये है वर्टिब्रो स्टर्नल, बोलो, और दूसरी है वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, बोलो, और तीसरी फ्लोटिंग वर्टिब्रल। याद रहेगा, वो कहीं भी जाकर जुड़ी नहीं। दीज आर नोन एज वर्टिब्रल। सात तीन दो, टोटल कितनी पेयर? बारह, बारह पेयर हैं। तो बोलो कितनी ट्रू? सात। कितनी फॉल्स? तीन। कितनी फ्लोटिंग? दो। सात तीन दो, कितनी? बारह। दीज आर ट्वेल्व पेयर, ट्वेल्व इधर तो ट्वेल्व इधर। और याद रखना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। वर्टिब्रो स्टर्नल, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, वर्टिब्रल। कितने प्रकार की रिप्स? तीन। वर्टिब्रो पहली वाली वर्टिब्रो स्टर्नल कहां से निकली? कहां घुसी? वर्टिब्रो कॉन्ड्रल कहां से निकली? वर्टिब्री से। कहां? कॉन्ड्रल। और वर्टिब्रल कितनी? दो। सात तीन दो। बाय करें एक्सियल स्केलेटन की 80 बोन्स मुझे गिन के बताओ, तब आगे का क्लास होगा।
चलो एक्सियल खत्म, बोलो पहला कौन? स्कल, चार कंपोनेंट बोलो, पहला, दूसरा स्टर्नम, तीसरा वर्टेब्रा, रिब्स। स्कल में कितने पार्ट? तीन, चार, बोलो क्रेनियम, ईयर ऑसिकल, फेस, याद रहेगी, क्रेनियम, आ, ईयर ऑसिकल, छह, तीन और तीन छह, फेसियल 14, एक हयाय, एक स्टर्नम, 12 पेयर, 26, सब कुछ याद रहेगा, सात कैसी, ट्रू, सात पेयर, ट्रू, तीन पेयर, सर्वाइकल में सात पेयर, सात पेयर नहीं, सात, 12, पांच, एक, ऑसिपिटल लोब का छेद, फोराम मेना, हाँ, मेडुला ऑब्लोंगेटा और आगे स्पाइनल पार्ट, पक्का? चलो भाई, ये है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के बाद आया अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर स्केलेटन। दो पार्ट में, पहला पार्ट है गर्डल, दूसरा पार्ट है लिम्स। गर्डल फिर से दो पार्ट में, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल। लिम्स फिर से दो पार्ट में, फोर लिम्स, हाइंड लिम्स। पेक्टोरल गर्डल में फिर से दो पार्ट, राइट एंड लेफ्ट। पेल्विक गर्डल में फिर से दो पार्ट, राइट एंड लेफ्ट। फोर लिम्ब में भी दो पार्ट, राइट एंड लेफ्ट। और हाइंड लिम्ब में भी दो पार्ट, राइट एंड लेफ्ट। और तुमको मैंने इसीलिए बोला था, ऑलमोस्ट ऑल जो राइट एंड लेफ्ट में है वो इज अपेंडिकुलर। चलो पेक्टोरल गर्डल एक्सेप्ट एक्सेप्ट रिब्स। चलो पेक्टोरल बोलो, राइट में दो, लेफ्ट में दो, पेल्विक में राइट में एक, लेफ्ट में, फोर लिम्ब में तीस, तीस, तीस और तीस। पेक्टोरल गर्डल की ये दोनों बोन्स, चाहे राइट में हो चाहे लेफ्ट में, एक का नाम स्कैपुला और एक का नाम क्लेविकल। क्लेविकल इज हसली, स्कैपुला इज शोल्डर ब्लेड। बोलो शोल्डर ब्लेड, सी दिस, दिस पोर्शन इज शोल्डर ब्लेड, दिस स्कैपुला एंड क्लेविकल। पेल्विक की एक बोन नाम है कॉक्सल, कॉक्सल। बाकी यहां पर 30 30 और सबके नाम अलग। सबके नाम अलग। सो अपेंडिकुलर स्केलेटन दो पार्ट, पहला पार्ट गर्डल कंधा, पेक्टोरल गर्डल हिप, पेल्विक गर्डल। तो कितने गर्डल? दो, राइट एंड लेफ्ट पेक्टोरल गर्डल, राइट एंड लेफ्ट पेल्विक गर्डल। और कितने लिम्स? दो, राइट एंड लेफ्ट फोर लिम्ब, राइट एंड लेफ्ट हाइंड लिम्ब। सो सबसे पहले फोर लिम्ब्स की सारी बोन, गर्डल बाद में पढ़ेंगे, सबसे बाद में गर्डल, पहले लिम्ब्स उठाएं। चलिए लिम्ब्स, लिम्ब्स में भी फोर लिम्ब्स। पहली बोन, इट इज नोन एज ह्यूमरस, दिस ह्यूमरस। ध्यान से सुनो यार, हमें मालूम है तुम्हें आता,
आता है अच्छी बात है, लेकिन फिर भी सुन लो, गरीब आदमी पढ़ा रहा है ना। हाँ बेटा, टीचर से ज्यादा गरीब इस दुनिया में कोई नहीं। न्यूमरस, रेडियस, अल्ला, एक रेडियस और एक अल्ला। इसके बाद रिस्ट बोन, आठ होती हैं, कार्पल, फिर इसके बाद मेटा कार्पल पांच, और फिर फैलेंजेस, हर मेटा कार्पल के साथ तीन। सो दिस इज कार्पल एंड देन अगेन दिस इज मेटा कार्पल, और फिर है फैलेंजेस। अब अपना हाथ देखो, बोलो, अंगूठे की तरफ, रेडियस। गड़बड़ कर दिया मैंने, अब आपको इधर अंगूठा बनाना पड़ेगा। यस, अंगूठे की तरफ रेडियस, छोटी उंगली की तरफ अल्लाह, रेडियस अल्लाह, ये वाली ह्यूमरस कलाई, कार्पेल हथेली, गिनो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, चौदह, कितनी? चौदह, गिन लेना घर में जाकर, फैलेंजेस कितनी? चौदह। ओके, मेटाकार्पल इज पाम, मेटाकार्पल इज पाम, पांच, एक दो तीन चार पांच। सो मेटा कार्पल में पांच, इट इज पाम बोन, पाम हथेली, एंड दिस इज रिस्ट कलाई। अब देखो, सर ने अपनी हथेली से अपनी कलाई को पकड़ा, मतलब समझे? अब इसमें हथेली कौन, कलाई कौन? ये रहा हथेली, अच्छा अच्छा, ये रहा हथेली और ये कलाई, अंतर है बताओ? ये, अरे हिंदी में बोलने दो, हथाई, हथाई, हथेली, कलाई। अच्छा बताओ अंग्रेजी में, रेस पाम, रेस पाम, रेस पाम। आओ आओ, नहीं कंटाप भी पड़ेगा मेरे, तो किसका फोर्स पड़ेगा? पाम का। कौन लगाएगा? अच्छा बताओ, तो रिस्ट इज नोन एज कार्पल बोन्स, रिस्ट बोन, ये है टोटल आठ, रेडियस एक, अल्ना एक, ह्यूमरस एक, गिनो, एक दो तीन आठ ग्यारह पांच चौदह तीस। तो एक हाथ में कितनी? तीस। तो सर अगर दाहिना बनाए तो बायां भी बनाओ, वो भी ऐसे बनेगा, एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ला, आठ कार्पल, आठ कार्पल, पांच और चौदह फैलेंजेस। ये हो गया फोर लिम्ब। आइए हाइंड लिम्ब पर, भाइयों बहनों, इट इज हाइंड लिम्ब। अब हर बोन मुझे ऐसी बन रही है।
इट इज फीमर, बोलो फीमर। सर वो दोनों एक ही जैसी लग रही है, ठीक है कुछ गड़बड़ कर लो। टीबिया, ये सब कहा बना रहे हो सर? ऐसे बने। और एक बहुत दुबली पतली बोन, पतली इसलिए फ्यूबुला, बोलो फ्यूबुला। देखो मेरी सारी बोन एक ही तरीके से बनेगी, माफ करना ऑनलाइन वालों बच्चों, आपकी एनसीईआरटी बुक में बेटर है, देखो उधर। तो एक है टीबिया और एक है फीबुला और फिर है एंकल, अंकल नहीं एंकल। एंकल इज नोन एज मेटा टार्सल, टार्सल, अच्छा टार्सल, टार्सल मेटा टार्सल, पांच पांच, एक दो तीन चार पांच। और इसके बाद फेलेंजेस, एक दो, तो पहले वाले में दो, एक दो तीन, एक दो तीन, कोई चुड़ैल के पैर बनने लग रहा है। अरे रुका पटेला के काका, ये टार्सल और ये रही मेटा टार्सल। पहले मैं सिमिलरिटीज दिखाना चाहता हूं तो तुम अब पहले मरे पड़े हो, पहले बता दिया सर जो रहस्य था, ये क्या है फैलेंजेस। मैं पहले आप में सिमिलरिटीज दिखाना चाहता हूं ताकि आप लोग सीख पाओ, कितनी ह्यूमरस, उसी तरह फीमर कितनी, ए, रेडियस ए, टीबिया ए, अल्ला ए, फिबुला ए। अब ध्यान सुनना, कार्पल आठ, मेटार्सल सात, एक कमी आ गई, बाकी सब कुछ सही चल रहा था, एक 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 दो जब भी चल रहा था। मेटा टार्सल पांच, मेटा कार्पल पांच, फेलेंजेस चौदह, फेलेंजेस चौदह, तो सब जगह बराबर, लेकिन ये बची 29, कितनी बची 29, तो यार फिर एक तो कमी आ रही है, वही रहस्य है। एंड दैट इज नोन एज साबुन बोन, पटेला, बोलो पटेला। साबुन नहीं, हम लोग बचपन में इसे साबुन समझते थे, कपड़ा धुलने वाला साबुन गांव में वैसे ही होता है, तो हम लोग ऐसे था। इट इज पटेला, कौन सी बोन, पटेला। पटेला इज सीसमोइड बोन, ये पहले बोन नहीं होती, बाद में बन जाती है। सीसमोइड बोन्स वो बोन होती है जो टेंडन और लिगामेंट के ऑसिफिकेशन से बनती है, ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट के ऑसिफिकेशन से बनने वाली बोन का नाम सीसमोइड बोन होता है, और इनमें से इस बोन का, सीसमोइड बोन का नाम है बेटा, कौन सा बोन है ये, पटेला, दैट इज नी कैप बोन, ऑल्सो नोन एज नी कैप बोन। अब सिमिलरिटीज देखो, ह्यूमरस ए, फीमर ए, फीमर इज द लॉन्गेस्ट थिकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, लॉन्गेस्ट थिकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। सबसे लंबी, सबसे मोटी और सबसे तगड़ी, इतनी कि तुम 10-50 किलो तो अपनी जांघ में ही रख देते हो, जब तुम वजन उठाते हो अचानक गिरने लगता है तो इट इज लाइक दिस, बस मजाक नहीं। तो बताओ कौन सी, फीमर इज द लॉन्गेस्ट थिकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। एक टीबिया और सबसे पतली पतली फीबुला, फीबल माने पतला, तो बताओ फीबुला एंड टीबिया, और इसके बाद टार्सल। तो देखो सिमिलरिटीज देखो तो समझ में आ जाएगा, जैसे एक ह्यूमरस है वैसे एक ह्यूमर है, जैसे एक रेडियस है टीबिया, जैसे एक फीबुला, जैसे यहां कार्पल है वहां टार्सल, यहां आठ वहां सात, यहां मेटा
कार्पल है वहां मेटाटास, यहां भी पांच वहां भी पांच, यहां पर फेलेंजेस है 14 वहां भी फेलेंजेस 14, सब कुछ एक जैसा, केवल कार्पल यहां 8 टार्सल वहां 7, तो एक बोन की कमी थी वो कहां गई, इट इज नोन एज पटेला, बोलो कौन सी बोन, पटेला, इस पटेला बोन। देखो बेटा अंकित है क्या, है क्या, है कोई लड़का दिख रहा, आवाज दो, हाँ भाइयों बहनों हटा दें से, तो फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब दोनों निपटा दिए, अब बचा कौन, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक, तो सबसे पहले पेक्टोरल गर्डल, एकदम शांत रहो बेटा, पेक्टोरल गर्डल इज ऑल्सो नोन एज शोल्डर गर्डल, और हर पेक्टोरल गर्डल दो बोन का बना है, एक का नाम है क्लेविकल और एक का नाम है स्कैपुला। अंकित जाकर गुप्ता सर के रूम में दौड़ के जाओ और केवल बेटा ये हिप बोन रखिए, हिप बोन केवल रखिए, अलग से रखिए, वो ले आओ ये वाली बोन, ठीक, जल्दी से लेके आओ। सो क्लेविकल एंड स्कैपुला, क्लैपिकल इज द लॉन्ग बोन विच इज हॉरिजेंटल, अकेली लॉन्ग बोन है जो हॉरिजेंटल है और जो कि अटैच्ड है दोनों तरफ स्टर्नम से, लाइक दिस। तो यहां से जो बेटा हड्डियां आ रही हैं ये रिब केस बनाती हैं, लेकिन इसी रिब केस के ऊपर ये लॉन्ग बोन है जो क्लेविकल है, द ओनली लॉन्ग बोन विच इज ट्रांसवर्स, वरना आपकी बॉडी की जितनी लॉन्ग बोन है वो वर्टिकल है, गिनो लॉन्ग बोन, ह्यूमरस वर्टिकल, लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल जो भी है, और ये लॉन्ग बोन, वल्ला लॉन्ग बोन, फीमर लॉन्ग बोन, टीबिया लॉन्ग बोन, फिबुला लॉन्ग बोन, स्टर्नम लॉन्ग एंड फ्लैट बोन, याद रहेगा, अकेली लॉन्ग बोन है आपकी बॉडी की जो कैसी है, ट्रांसवर्स, जो एक तरफ स्टर्नम से जुड़ी है, किससे जुड़ी है, स्टर्नम, और दूसरी तरफ बेटा वो स्कैपुला की एक्रोमियन प्रोसेस है, किस प्रोसेस से, स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस के साथ जुड़ी है, काश कि मैं स्कैपुला आपको बना के दिखा पाता, बट आपको मानना पड़ेगा कि ये एक्रोमियन प्रोसेस है। चलो मेरी मदद जो भी करेगा उसको कभी ना कभी एक दिन चॉकलेट दिखाऊं खिलाऊंगा मैं, ठीक है, इधर आओ बेटा, यस यू, स्कैपुला एक ब्लेड है, मैं यहां से दिखा रहा हूं, ये बच्चा आप तक आके दिखाएगा और कोई बदतमीजी नहीं करेगा, ये एक ब्लेड है स्कैपुला, इस स्कैपुला पे एक उभार है जिसका नाम है स्पाइन, बोलो क्या नाम है, स्पाइन, और उससे एक प्रोसेस निकला है दैट इज एक्रोमियन, बोलो एक्रोमियन, बताना है तुम्हें, ब्लेड स्पाइन एक्रोमियन बोलना है ये, ठीक है, बोलो, ब्लेड स्कैपुला की ब्लेड स्पाइन, स्पाइन इज उभार और एक्रोमियन, और एक्रोमियन प्रोसेस से ये आ गई क्लेविकल, क्या है, क्लेविकल, तो आपको केवल ये दिखाना है और ये ज्वाइंट, ठीक है, और इस दोनों को मिलाकर गर्डल, कौन सा गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, जाओ
बता दो भैया सबको, यहीं पर डिमॉन्स्ट्रेट करो, ब्लेड स्पाइन एक्रोमियन वो लग जुड़ जाएगा बेटा, हम ही को आना पड़ेगा। रुको, हम सोच रहे थे अपने भाई को कभी सपोर्ट करोगे, वो तुम करते नहीं, बोल दे हटा दो। पहले सारे लोग यही से देखेंगे, ये स्टेपलर दिख रहा है, यस सर, तो इसको ये दिख रहा है, इसमें जो भार दिख रहा है तो नाम है स्पाइन, बोलो स्पाइन, इससे एक प्रोसेस दिख रहा है, बोलो क्या नाम है, एक्रोमियन, तो बोलो, और ये किससे जुड़ा है, क्लैरिका, तो बोलो क्लैरिका, ये क्या, तो बोलो क्लैरिका, ये क्या है, स्कैपुला, इसका नाम ब्लेड, ये क्या है, स्पाइन, इसका नाम एक्रोमियन, सांस जुड़ी है, स्टर्नम, एक तरफ स्टर्नम से जुड़ी क्लैरिकल, दूसरी तरफ एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ती है, किससे, और वो किससे निकला है, स्पाइन, स्पाइन किसके ऊपर उभार है, ब्लेड, तो स्कैपुला के ऊपर एक उभार है, नाम बताओ, देखो एवरीवन, ये रहा ब्लेड, बोलो ये रहा ब्लेड, स्कैपुला का ब्लेड, ये उभार, ये प्रोसेस, हाँ एक्रोमियन, ये कौन आई, क्लैविकल, कहाँ से आई, स्टर्नम, कहाँ गई, एक्रोमियन प्रोसेस, क्या बनाया, ज्वाइंट, और इस तरह एक ट्रायंगुलर, कैसा ट्रायंगुलर गर्डल बना, नाम बताओ, पेक्टोरल गर्डल, फिर से बोलो पेक्टोरल, इसी पे एक कैविटी है, नाम है ग्लिनोइड कैविटी, फिर से बोलो, जिसमें हेड ऑफ ह्यूमरस, बोलो, जाकर फिट हो रहा और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बना रहा, कौन सा, बॉल एंड सॉकेट। अब चूंकि मैं 3D बना नहीं पाऊंगा तो आपसे केवल उम्मीद यह है कि आप इसे 3D समझने की कोशिश करेंगे, ओके, केवल कोशिश करिए। हमारे पास एक कैविटी है, नाम है ग्लिनोइड कैविटी, फिर से बोलो ग्लिनोइड, और ये छोटे से उभार के साथ एक प्रोसेस यहाँ आया, प्रोसेस का नाम एक्रोमियन, ये रहा एक्रोमियन प्रोसेस, और इसी एक्रोमियन प्रोसेस में ध्यान सुनना, एक्रोमियन प्रोसेस, इसी एक्रोमियन प्रोसेस में आकर के कौन जुड़ी है, क्लैविकल, तो एक तरफ स्टर्नम से आई है क्लैविकल और दूसरी तरफ किससे जुड़ी हुई है, एक्रोमियन प्रोसेस, और ये एक्रोमियन प्रोसेस किसका है, स्कैपुला, बोलो, और इसके पास अपनी एक कैविटी है, कैविटी का नाम ग्लिनोइड कैविटी, फिर से बोलो ग्लिनोइड कैविटी, और इसी ग्लिनोइड कैविटी में, पूरा लिख दे रहा हूं बड़ा बड़ा, ग्लिनोइड कैविटी, इस प्रोसेस का नाम बड़ा सा एक्रोमियन प्रोसेस, और इस कैविटी का ग्लिनोइड कैविटी, इसी ग्लिनोइड कैविटी में हेड ऑफ ह्यूमरस, बोलो कौन, हेड ऑफ ह्यूमरस जा करके कौन सा जॉइंट बनाता है, बाल एंड सॉकेट, नहीं आया, कौन सी कैविटी, कौन सा प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस, कहां से निकला है, स्पाइन, किसके स्पाइन, स्कैपुला, तो स्कैपुला के स्पाइन से निकलने वाला एक प्रोसेस एक्रोमियन प्रोसेस, और उस एक्रोमियन प्रोसेस में जाकर क्लेविकल जुड़ेगी, और एक कैविटी, कैविटी का नाम ग्लिनोइड कैविटी, और उसमें हेड ऑफ ह्यूमरस जाकर ज्वाइन करेगा, कौन सा ज्वाइन बनाएगा, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन, कौन सा ज्वाइन, बॉल एंड सॉकेट,
आया बताओ पेक्टोरल गर्डल में कितनी बोन? एक कौन? क्लैविकल और एक स्कैपुला, एक क्लैविकल और एक स्कैपुला, एक क्लैविकल और एक स्कैपुला। नाउ द पेल्विक गर्डल, ये मैं आपके पास तक पहुंचाऊंगा, लेकिन प्रॉमिस है हर बंदा रोक करके थोड़ी देर बाद उसे आगे पास कर देगा, ठीक है, ताकि सब लोग इस बोन को देखेंगे। नाउ पेक्टोरल गर्डिक के बाद आपके पास पेल्विक गर्डल है, कौन सी? पेल्विक। और जिस बोन को मैंने पकड़ा, इट इज सैक्रम, बोलो सैक्रम। और इट इज कॉकेक्स, बोलो कॉकेक्स। तो ये वाला सैक्रम, ये वाला कॉकेक्स, ये वाला सैक्रम, ये वाला। अब मैं आपके सामने एक बोन पकड़ रहा हूं, दिस, ये एक बोन है जिसमें मैंने हाथ लगाया, उसी जैसी ये एक बोन है, और इस दोनों बोन को मिला करके बोलते हैं पेल्विक गर्डल। फिर से बोलो, जिसकी एक बोन का नाम कॉक्सल, बोलो कॉक्सल, दूसरी बोन का नाम कॉक्सल। कॉक्सल बोन में तीन पार्ट, कितने पार्ट? तीन पार्ट, जिसमें हम बैठेंगे इस्चियम, बोलो इस्चियम, जहां मैं हाथ लगा रहा हूं इस्चियम, विंग्स इलियम, विंग्स इलियम, सामने वाली प्यूबिस, दिस इज अ बर्थ कैनाल। आप और हम सब लोग जिन्होंने नॉर्मल डिलीवरी से बॉडी के बाहर आए हैं, यहां से बाहर निकले हैं लाइक दिस, और यही वो सिम्फाइसिस है जिसका नाम है प्यूबिक सिम्फाइसिस। दो प्यूबिस बोन को आपस में जोड़ने वाला प्यूबिक सिम्फाइसिस। और रिलैक्सिन हार्मोन याद करो, याद है, यही वो रिलैक्सिन हार्मोन है जो इस प्यूबिक सिम्फाइसिस को बड़ा करता है, ताकि बर्थ कैनाल बड़ी हो जाए और आपका हेड आराम से पास होकर के बाहर आ जाए। नहीं आया? सिदिस ऊपर यूट्रस, बेबी फंस गया, अब क्या करेगा? कौन सा हार्मोन? रिलैक्स से रिलैक्स होगा, कौन सा ज्वाइंट? प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये बोन का नाम प्यूबिक, इस बोन का नाम प्यूबिक, बोन का नाम प्यूबिक, बोन का नाम प्यूबिक, दोनों जुड़ गई। yes, नाम बताओ प्यूबिक सिम्फाइसिस, फिर से बोलो प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो सामने वाली प्यूबिस, नीचे वाली इस्चियम, और विंग्स वाली इलियम। तो एक बोन तीन बोन से मिलके बनी, कितनी? तीन। पकड़ूंगा बताना, इलियम इस्चियम प्यूबिस, इलियम इस्चियम प्यूबिस, इलियम इस्चियम प्यूबिस। और इन तीनों का कनेक्शन एसिटाबुलम में दिखता है, किसमें? एसिटाबुलम। इस कैविटी का नाम है एसिटाबुलम, और यहीं जाकर फीमर, कौन? फीमर का हेड, किसका हेड? जुड़ करके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। तो देखो ये तीन क्रॉस लगाए गए, तो इनमें से ये वाला क्रॉस इट इज प्यूबिस के लिए, ये वाला क्रॉस इस्चियम के लिए, और ये वाला इलियम। तो इस एसिटाबुलम में, इसी एसिटाबुलम में तीनों जॉइनिंग दिखाई पड़ती हैं। बोलो आगे वाला प्यूबिस, नीचे वाला ऊपर वाला नया, इस कैविटी का नाम एसिटाबुलम। नया, चलो भाई भेज रहा हूं मैं, एक एक करके पास कर दीजिएगा। मेरे पास एक और है, ये वाली बोन, ये वाली प्यूबिस, ये वाली इससे। पर ये ऐसी जुड़ी है कि पता ही नहीं चल पा रही कि तीन है, पर है कितनी? तीन। तीनों को मिलाकर कितनी बोन? एक। और उसका नाम है कॉक्सल। कॉक्सल बोन में ये वाली, ये वाली, ये वाली प्यूबिस, और दोनों को जोड़ने वाला सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। पास इट, देखो और पास करो, और शोर मत करना, आगे पढ़ाते जाना। चलो मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखो पेल्विक गर्डल, इट इज मेड अप ऑफ कॉक्सल बोन। एवरी कॉक्सल बोन, वैसे एक कॉक्सल बोन है तो हमें एक ही बोलना चाहिए, पर हर एक कॉक्सल बोन, एवरी कॉक्सल बोन इज मेड अप ऑफ थ्री बोन्स। वन इज नोन एज इलियम। स्पेलिंग देख लेना बेटा, बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं, क्योंकि इसी नाम का एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट भी होता है, होता है, वो ई यू एम होता है,
एशियम और प्यूबिस। आगे वाली दोनों बोन लाइक दिस, आगे वाली दोनों बोन है प्यूबिस, नीचे वाली दोनों बोन है बेटा एशियम, और ऊपर वाली जो ये विंग है दैट इज नोन एज प्यूबिस। तो ये भैया है प्यूबिस, सॉरी दिस इज नोन एज इलियम, दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा। ये वाली बोन है इशियम, और ये वाली दोनों बोन प्यूबिस, और प्यूबिस के बीच का ज्वाइंट प्यूबिस सिंफाइसिस, प्यूबिक सिंफाइसिस। यहां पर एक कैविटी, यहां पर एक कैविटी, और उस कैविटी में फीमर। कौन बेटा? फीमर। लाइक दिस, दिस इज फीमर। तो हर एक कॉक्सल बोन है इलियम एशियम प्यूबिस। सो दिस इज समहाउ योर 180 बोन्स, 126 बोन्स फ्रॉम द अपेंडिकुलर एक्सिस, और द अपेंडिकुलर स्केलेटन हैज बीन कंप्लीटेड। और इसके पहले मैंने कितनी कंप्लीट की थी? 80। तो 80 में 126 जोड़ो, 206 हड्डियां आपके पास आ चुकी हैं। ज्वाइंट्स इसके बाद है, चलो ज्वाइंट्स पढ़ते हैं। हटा दें, कहीं जाना है? कहाँ जाना है? रुकिए, मतलब पढ़ना नहीं, सब में प्रेजेंट है। प्यूबिक सिंफाइसिस इज प्रेजेंट एवरीवेयर, बट इट विल रिलैक्स बाय द रिलैक्सिन हार्मोन इन द फीमेल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। व्हाट इज पार्चुरेशन? बर्थ के समय पर। सब में होगा, प्यूबिक सिंफाइसिस तो सब में होगा, पर रिलैक्सिन हार्मोन का एक्शन प्यूबिक सिंफाइसिस में मेल में होगा कि फीमेल? फीमेल। हटा दें, चलो चलो। अब भाई एक साथ सारी हड्डियां बोलो और फिर घर जाएंगे हम लोग, ठीक है? जॉइंट्स पढ़ना चाहते हो? खाना खाने में दिक्कत तो नहीं होगी? तो जॉइंट्स आ जाओ, खत्म ही करो यार, जाओ। ये लो ज्वाइंट्स, ऑल्सो नोन एज आर्थ्रस। ज्वाइंट्स आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन टू बोन्स। दो बोन्स के बीच के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट्स, कनेक्टेड बाय स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। नोन एज लिगामेंट्स। वैसे मैंने आपको पढ़ा रखा है कि व्हाट आर द लिगामेंट्स, याद है? लिगामेंट्स किसी भी दो बोन के बीच के कनेक्शन को बोलते हैं। लेट सपोज ये एक आपकी बोन है जिसका नाम आपने रखा है ह्यूमरस, ये रहा रेडियस, और अगर एक आपके पास है अल्ना, तो यहां पर जो ज्वाइंट होगा एक बोन दूसरे बोन को जोड़ रही होगी। तो बताइए, दो बोन्स, एक बोन दूसरे बोन के बीच में कॉन्टेक्ट हो रहा और इनको आपस में जोड़ा जा रहा, जोड़ने वाले इन स्पेशल टिश्यूज का नाम क्या है? लिगामेंट। सो भाइयों बहनों, मुझे लिगामेंट्स की डेफिनेशन चाहिए।
लिगामेंट्स आर द स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू. कैसे टिश्यू है जो किसको किसको जोड़ेंगे? बोन और बोन्स. याद रखना ऐसे ही बेटा कुछ कनेक्टिव टिश्यू और हैं, जैसे बोन के साथ मसल्स भी जुड़ती हैं. क्या जुड़ती हैं? मसल्स. सो लेट सपोज इट इज अ मसल. तो मसल को जोड़ने वाले स्ट्रक्चर का नाम टेंडन. बोलो क्या नाम? तो किसी भी ज्वाइंट के अराउंड टेंडन भी हो सकते हैं और लिगामेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर कोई मसल जुड़ी है तो उसके पास क्या होंगे? टेंडन. मसल और बोन के बीच का कनेक्शन, मसल एंड बोन के बीच का कनेक्शन इट इज नोन एज टेंडन, और बोन के बीच का कनेक्शन इट इज लिगामेंट. आपकी बॉडी में ज्यादातर बेटा जो ज्वाइंट्स हैं दे आर मूवेबल. ज्यादातर ज्वाइंट, सारे बोले मैंने, ज्यादातर ज्वाइंट है मूवेबल, और इसी की वजह से आपको लोकोमोशन और मूवमेंट मिलता है. क्या मिलता है? मूवमेंट. यानी इन्हीं ज्वाइंट्स की वजह से आपको मूवमेंट और लोकोमोशन मिलते हैं. सो मूवमेंट एंड लोकोमोशन इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू दीज टाइप ऑफ ज्वाइंट. बट मैंने ये कभी नहीं कहा कि ऑल ज्वाइंट्स कैन मूव. मैंने ऐसा बोला? मोस्ट ऑफ द ज्वाइंट कैन मूव, दैट इज नोन एज मूवेबल ज्वाइंट. बहुत सारे ज्वाइंट ऐसे भी मिलेंगे जो मूव नहीं करेंगे. चलो बेटा, व्हाट इज ज्वाइंट्स? इनका दूसरा नाम है आर्थ्रस. बोलोगे ना? आर्थ्रस. तो ज्वाइंट्स आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन टू बोन्स. एक बोन दूसरी बोन के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कर रही, तो एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ा गया है, और जोड़ने के लिए बोन और बोन के बीच में कनेक्शन है, और बोन और बोन के बीच में इन कनेक्शन का नाम लिगामेंट. तो एक बोन और दूसरे बोन के बीच के कनेक्शन का नाम लिगामेंट. लेकिन यहाँ पर मसल्स भी हैं. क्या है? मसल भी बोन में जाकर के जुड़ी हैं. दीज आर नोन एज टेंडन. तो किसी भी ज्वाइंट्स के अराउंड किसी भी आपको टेंडन भी मिल सकते हैं, लिगामेंट. तो व्हाट इज लिगामेंट? बोन टू बोन. एंड व्हाट इज टेंडन्स? कुल मिलाकर के जॉइंट्स को तीन मुख्य प्रकार का बांटा गया है, तीन प्रकार का बताया गया है. तो बोलते हैं जॉइंट्स आर मेनली ऑफ थ्री टाइप. वन इज नोन एज फाइब्रस, दूसरे के तरीके के कार्टिलेजिनस, और तीसरे प्रकार के सिनोवियल और साइनोवियल. जो फाइब्रस ज्वाइंट है वो दो बोन के बीच में डेंस फाइब्रस कनेक्शन बनाते हैं. फाइब्रस कनेक्शन बनने की वजह से ये ज्वाइंट इमूवेबल है. नो मूवमेंट इन द ज्वाइंट्स. याद रखना फाइब्रस ज्वाइंट्स इमूवेबल ज्वाइंट होते हैं, एंड डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं. डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं, और इनमें जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका नाम है कोलेजन. बोलो कोलेजन. कोलेजन फाइबर होता है. सब लोग यहां देखेंगे एक बार और. बोन का नाम फ्रंट. बोन का नाम, बोन का नाम, ब्रॉन का नाम ऑसिपिटल. तो दोनों पेराइटल के बीच में फाइब्रस है, फ्रंटल और पेराइटल के बीच में फाइब्रस है, और ऑसिपिटल और पेराइटल के बीच में भी फाइब्रस. मूवेबल के नॉन मूवेबल. और अगर थोड़े से भी तुम अवेयर हो तो तुम्हें मालूम है भगवान ने फाइब्रस ज्वाइंट दिए, उन्हें मालूम था ये इमूवेबल है, लेकिन बचपन से इन्हें सॉफ्ट रखा, बड़े में आकर के ये हार्ड हुए. इसलिए बच्चों का यहाँ पर छुओ तालू बोलते हैं. तालू बहुत हार्ड की बहुत सॉफ्ट. क्यों रखा भगवान ने? क्योंकि उन्हें मालूम है एक दिन चपक जाएंगे और फिर ये मूव. और अंदर ब्रेन बढ़ रहा है, अगर ब्रेन बढ़ रहा है और हड्डियां चपकी हैं
तो ब्रेन हड्डियों पे प्रेस करेगा और आप बीमार हो जाओगे। तो भगवान ने क्या किया, शुरुआत में आपके इन फाइब्रस जॉइंट को बेटा मेम्ब्रेनस रखा। कैसा रखा? मेम्ब्रेनस। और जैसे जैसे आप बड़े होते गए, आपका ब्रेन बढ़ता गया, खोपड़ी बढ़ती गई, और ये तालू फ्रंटनेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रंटनेल, एंटीरियर फ्रंटनेल, पोस्टीरियर फ्रंटनेल, धीरे धीरे भरते गए। कुछ लोगों के अभी भरे, 2 साल से 2.5 साल की उम्र तक आते आते भर जाते, चिंता मत करो, 2.5 साल के नहीं हो तुम। हाँ, पोरवाल सर का साथ खाली है। हाँ, अभी पैदा हुए वो। तो ये जो तालू है, आपने बच्चों का सर कभी देखा? Yes, कभी भी उस पर मारना नहीं, बड़े प्यार में, हाय मेरा मुन्ना, वहां बोन है नहीं, मेम्ब्रेन है, क्या है, मेम्ब्रेन, धस गया। ये धीरे धीरे बढ़ते हैं, 2 से 2.5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर आकर के फ्रंटनेल भर जाते। देखा, मारा नहीं, मार दिया तुमने। तो यही सूचर कहलाते हैं। आगे चले, क्या कहलाते हैं, सूचर। तो कुछ लोग बोलते हैं सुटूरे। तो फाइब्रस ज्वाइंट ऑफ द क्रेनियम। अब किसी ने कहा कि सर क्रेनियम के फाइब्रस ज्वाइंट का नाम होता है सूचर, तो मैंने बोला सूचर। किसी ने कहा सुटूरे, तो हम एक दिन बोले कि ये हो गया नटूरे और ये हो गया फुटूरे। इट इज नेचर, फ्यूचर एंड सूचर। सचुअरे नहीं, ग्वाइटरे, कहां गया ग्वाइटरे, ग्वाइटर की ग्वाइटरे। तो ये फाइब्रस ज्वाइंट मूवेबल है और कहां प्रेजेंट है, क्रेनियम में। किसमें, क्रेन, मूवेबल की इमूवेबल, इमूवेबल। नाउ द कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, जब बोन आके कार्टिलेज में जुड़े, कम से कम 7 तो हम ही जानते हैं, पहली रेप, दूसरी रेप, तीसरी रेप, चौथी रेप, पांचवी रेप, छठी रेप, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं भी, लेकिन 11वीं और 12वीं नहीं। तो जो स्टर्नम की तरफ के ज्वाइंट है वो बोनी ज्वाइंट है कि कार्टिलेज, कार्टिलेज। तो ज्वाइंट्स बिटवीन बोन विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। तो भैया एक एग्जांपल तो मैं बता दे रहा हूं, रिब्स एंड स्टर्नम। रिब्स और स्टर्नम के जो ज्वाइंट हैं ये कार्टिलेजिनस है, पर ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। एनसीईआरटी में दिया है कि एक वर्टिब्री जब दूसरी वर्टिब्री के साथ जुड़ती है तो बीच में एक डिस्क प्रेजेंट होती है, एंड दिस डिस्क इज ऑफ कार्टिलेज। तो आपके पास ऐसी कितनी डिस्क होंगे, गिनो, 26 हैं। हाँ, तो लगभग 24 से 25 डिस्क हैं। और जब ज्यादा वजन बढ़ता है खाते कहते, तो ये हड्डियां भार सह नहीं पाती, तो एक हड्डी दूसरे हड्डी के रेस्पेक्ट में खसक जाती है और आपकी डिस्क बाहर आ जाती है। दैट इज नोन एज स्लिप डिस्क। बोलो क्या, स्लिप डिस्क। नहीं आया तो कौन सा कार्टिलेज गया, वर्टिब्रल कॉलम के बीच का कार्टिलेज। तो बेटा वर्टिब्रल कॉलम के जितने भी ज्वाइंट हैं ये सब के सब कार्टिलेजिनस ज्वाइंट हैं, एंड ये मूवमेंट आपको लिमिटेड मूवमेंट देते हैं, नो मूवमेंट की लिमिटेड मूवमेंट, लिमिटेड। अगर ये ना होता तो एक दिन तुम करवट लेते हो, तुम्हारी हड्डी टूट जाती है। ये सब मूवमेंट आपकी, हाँ प्रतीक बेटा थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें डांस दिखाता हूँ। तो ये रहा कार्टिलेजिनस मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट, सॉरी, इट इज अ कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। बताओ, नो मूवमेंट की लिमिटेड, लिमिटेड। एंड नाउ द थर्ड टाइप ऑफ ज्वाइंट इज नोन एज साइनोवियल। बहुत सिंपल सा, साइनोवियल ज्वाइंट में ये 3 बातें हमेशा मिलेंगी, तो सारे लोग नहीं बोलेंगे, भूलेंगे। एक बोन मिलेगी, दूसरी बोन के बीच में कैविटी होगी, सो देयर इज द, हो जाता है बेटा 2.5-3 घंटे से पढ़ते पढ़ते कभी कभी स्लिप ऑफ हो जाता है, आप उसको दोहराया मत करो। एक बोन है, दूसरी बोन है, दोनों बोन के बीच में एक कैविटी मिलेगी, इस कैविटी का नाम होगा साइनोवियल कैविटी, साइनोवियल कैविटी।
और इस साइनोवियल कैविटी में एक फ्लूड प्रेजेंट होगा, इट इज नोन एज साइनोवियल फ्लूड। और साइनोवियल फ्लूड की वजह से इन दोनों बोन में फ्रिक्शन कम होगा और इन्हें जोड़ा गया होगा लिगामेंट से। किससे बेटा? लिगामेंट। इनके मूवमेंट फ्री मूवमेंट माने जाते हैं, काफी बढ़िया मूवमेंट माने जाते हैं। तो सबसे बढ़िया मूवमेंट किसमें है? साइनोवियल। थोड़ा लिमिटेड किसमें है? कार्टिलेजेस। नो मूवमेंट। तो साइनोवियल ज्वाइंट की खास बात है दो बोन की आर्टिकुलर सरफेस, आर्टिकुलर मतलब फेस करने वाली सरफेस के बीच में कैविटी होगी, नाम बताओ साइनोवियल, उसमें फ्लूड होगा। सनाई बोलते चारों तरफ क्या होंगे? लिगामेंट। और ऐसी ज्वाइंट का नाम होगा साइनोवियल ज्वाइंट। फिर से बोलो। और साइनोवियल ज्वाइंट के मूवमेंट बहुत ज्यादा होते हैं। फ्री तो बुक ने नहीं लिखे, बुक ने लिखे हैं कंसीडरेबल। कंसीडरेबल मतलब बहुत ज्यादा। सो दे आर द कंसीडरेबल मूवमेंट। सी दिस, बॉडी की मेन एक्सिस की तरफ ऐड करना, इट इज एडक्शन। बोलो। अवे ले जाना, एबडक्शन। बोलो। एबडक्शन। बताओ इट इज। पक्का? एक बोन का दूसरी बोन पर फोल्ड होना, फ्लेक्शन। बोलो। पक्का? अच्छा, फ्लेक्शन। एक बोन का दूसरे बोन के रेस्पेक्ट में एक्सटेंड होना, इट इज एक्सटेंशन। फ्लेक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन। पक्का? रोटेशन। बोलो। रोटेशन, नागिन डांस। यही चाहते थे ना? आई नो तुम यही चाहते थे। ये देखो, ये देखो, हर टीचर को मालूम है व्हाट यू वांट। आपका टीचर नहीं करता इसका मतलब ये जरूरी नहीं, बिकॉज इट किल्स योर टाइम। मैं केवल दिखाने की कोशिश कर रहा था कि इतना करने से तुम्हें कितनी मजा आ जाती है। क्या पढ़ाया? और अगर ऐसे नीरस चले जाते यार, आज पता नहीं बोर कर दिया, बस इतना करना है। एंड यू वॉन्ट इट, एंड दैट्स व्हाई, इस वजह से इस काका देव के सारे टीचर बिजुका होते जा रहे हैं। बिजुका समझते हो? स्केयर क्रो। हाँ, जो कौवा भगाने वाला होता है। आप आज टीचर की थोड़ी बड़ाई करो, वो कुछ भी कर देगा। सर क्या लगते हो बाई तरफ से? दाई तरफ से कोई कुछ नहीं लगता, केवल और केवल हमारा तुम्हारा रिलेशन है। किस बात का? पढ़ाई का। तो बताओ कितने प्रकार के? तीन। एक कौन? फाइबरस, कार्टिलेजनस, सनोवियल। तो भाई जिस समय पर आप मूवमेंट कर रहे हैं तो सारे मूवमेंट एक बार पूछे भी जा सकते हैं। बॉडी के अवे, एडक्शन, एबडक्शन, 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 बॉडी की तरफ एडक्शन, एडक्शन, एक बोन दूसरे पे फ्लेक्शन, एक बोन दूसरे से दूर एक्सटेंशन, मूव करे रोटेशन, रोटेशन। सो यू हैव सो मैनी मूवमेंट इन द साइनोवियल ज्वाइंट, और इसीलिए बोलते हैं कंसीडरेबल मूवमेंट। बोलो कैसे मूवमेंट? कंसीडर। मैंने शब्द गलत लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है कंसीडरेबल मूवमेंट। Considerable movement. And now the synovial joint. Rest को छोड़ दो, synovial joint. खुद पिला करके पांच छह प्रकार के। पहला है ball and socket. इसमें एक bone की articular surface depress होकर के cavity बनाती है और दूसरी bone का head उस cavity के अंदर घुस जाता है। इसमें से एक बोन बॉल की तरह बिहेव करती है, बॉल, और दूसरी बोन सॉकेट की तरह यूज करती है। बीच में फ्लूड भरा है, सनोवियल फ्लूड, एंड दिस इज नोन एज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। दो जगह मिलेगा,
एक तो शोल्डर, बुक में भले ना लिखा हो पर आप लिख लीजिएगा, दूसरा हिप। याद रखना, जब आपको गांव में बोला जाता है कि कंधा उखड़ गया, लोग समझ नहीं पाते टूट गया, नहीं, व्हेन द कंधा उखड़ गया, बॉल लीव द सॉकेट, जैसे ही बॉल ने सॉकेट को हटा दिया, अब बताइए सॉकेट के अंदर के बाहर, बाहर अभी नहीं है, लेकिन आपको हमेशा कंधा उखड़ा आदमी ऐसे मिलेगा। फिर आप एक नीम हकीम बंगाली के पास जाते हो, वो थोड़ी देर ऐसे ऐसे कर, ऐसे कर देता है, वो बोलता लाओ 150 रुपए। तुम कहते हो ये कैसे हुआ, कुछ नहीं, आपको एक पोजीशन लेनी, क्योंकि लिगामेंट पहले से ही आपको उसके सॉकेट के अंदर घुसाना चाहते हैं, और आपने धीरे से मूवमेंट किया और सीधे से अंदर, बॉल किसके अंदर, सॉकेट। तो कंधा उखड़ना और कंधा बैठना, इट इज डिसलोकेशन, बोलो डिसलोकेशन ऑफ द बॉल फ्रॉम सॉकेट, इट इज नोन एज कंधा उखड़ना, एंड द लोकेशन ऑफ बॉल इन टू द सॉकेट, इट इज कंधा बैठना। समझ गए? तो बेटा हिप ज्वाइंट और शोल्डर ज्वाइंट, ये दोनों बॉल एंड सॉकेट दिया। इसके बाद हिंज, हिंज ज्वाइंट है कब्जा ज्वाइंट। अब जो लोग गांव में रहते हैं वो समझते हैं, तो कब्जा दोनों तरफ की एक तरफ, एक तरफ, तो आपको मालूम है एक तो ये वाला ज्वाइंट, सॉरी ये मान लो ह्यूमरस है, और पीछे ये वाला ज्वाइंट, दिस एल्बो की नी, नी कौन सा ज्वाइंट, एल्बो, ये दिस इज नी, सो एल्बो एंड नी, एल्बो एंड नी ज्वाइंट, बोथ आर द हिंज ज्वाइंट। शांत रहो यार, एल्बो और नी ज्वाइंट जो है आपके, दे आर हिंज ज्वाइंट, और एक मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, पाइवट एक्सिस और एटलस, एक्सिस एटलस पाइवट धुरी ज्वाइंट, और यहां भी सिनोवियल कैविटी होती है, धुरी ज्वाइंट। इसके अलावा रिस्ट, फिर से बोलो, रिस्ट इज ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, रिस्ट में जितनी भी कार्पल है, ज्वाइंट बिटवीन कार्पल्स, एक कार्पल दूसरी कार्पल के रेस्पेक्ट में ग्लाइड कर रही, इट इज ग्लाइडिंग, एंड दिस इज टिली लिली, इट इज सैडल, बोलो सैडल, व्हाट इज सैडल, मेटा कार्पल, बोलो मेटा कार्पल ज्वाइंट, इट इज सैडल। अपनी बुक में देखो, ज्वाइंट बिटवीन, यही इसीलिए लगवाते हो कि दिन भर इसे पलट पलट के देखते रहो, द टाइम वेस्ट करना है बस। देखो आखिरी पैराग्राफ साइनोवियल ज्वाइंट का, Synovial joint are characterized by presence of fluid-filled synovial cavity between the articulating surface of the two bones. Such an arrangement allow considerable movement. These joint help in locomotion and many other movement. Many other movement मैंने पढ़ा दिए, बोलो कौन कौन, adduction, abduction, याद है, flexion, extension, rotation, ball and socket joint between humerus and pectoral girdle, hinge joint, knee, pivot joint between atlas and axis, gliding joint between carpal, saddle joint between carpal and metacarpal, carpal and metacarpal, see this thumb, ये कौन सी चीज है, carpal, carpal, और ये वाला metacarpal, that is saddle, इस point पर, तो saddle joint between carpal and metacarpal, बेटा बताओ क्या कह रहे हो, फिर से बताएं, बताओ ये वाला ज्वाइंट, ये वाला ज्वाइंट, ये वाला, दिस वन, बाल एक्सा पक्का, दिस वन ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग, दिस वन साइड, दिस वन पाइवट, याद रहेगा। तो सिनोवियल ज्वाइंट के कुछ पांच प्रकार, पहले बोलो ऑल एंड सॉ, हिंज ज्वाइंट, पाइवट ज्वाइंट,
ग्लाइडिंग ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट एंड लास्ट टॉपिक डिसऑर्डर्स। आप चैप्टर छोड़ पढ़ाए बिना नहीं जा सकते। डिसऑर्डर्स जिसको भी मन करा 5 मिनट में खत्म होगा। पहला बीमारी है मैस्थीनिया ग्रेविस। 5 मिनट में छोड़ रहा हूं, बस 5 मिनट। मैस्थीनिया ग्रेविस इज ऑटो इम्यून डिसीज। आपकी बॉडी की एंटीबॉडी, व्हाट इज एंटीबॉडी? आईजी। व्हाट इज आईजी? इम्यूनोग्लोबुल्स आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को खराब करने लगती है। व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? नर्व आ रही है और सार्कोलेमा में जा रही है। दिस इज नोन एज मोटर एंड प्ले, NMJ, याद आया? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो बताओ ऑटो इम्यून ने किसको मार दिया? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसलिए एसिटाइल कोलीन कम निकलने लगे। क्या कम निकलने लगे? अगर एसिटाइल कोलीन कम निकलने लगे तो इंपल्स कम बनने लगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन कम हो गया। तो मसल पहले थकने लगी, फटीग में गई, फिर वीक हुई और फिर पैरालाइज्ड हो गई। याद रखना धीरे धीरे आपकी मसल पैरालिसिस में चली जाती है। मायास्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसीज है जिसमें एंटीबॉडी किसको खराब करने लगती है? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। फिर से बोलो। समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, पहले पढ़ाई जाता था कि अमिताभ बच्चन को हुई है डिसीज NMJ, यानी न्यूरो मस्कुलर जंक्शन उनके खराब हो रहे हैं। दूसरा है बेटा मस्कुलर डिस्ट्रॉपी। बोलो, क्या किसी ने स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना है? तो उनकी मसल डीजनरेट हो गई। डीजनरेट, स्टीफन हॉकिंस सुना है? वो पूरी बॉडी पैरालाइज थे। तो मसल पैरालिसिस अलग बात है, डीजनरेशन अलग बात। दोनों बातें सुन लो। मसल अगर धीरे 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 कमजोर होकर के एकदम खत्म होने लगे, इट इज डीजनरेशन। मसल रहे लेकिन काम ना करे, पैरालिसिस। मसल रहे काम ना करे, इट इज पैरालिसिस। और मसल ही खत्म हो जाए, डीजनरेशन। तो याद रखना पोलियो एक डीजनरेशन डिसीज है। कैसी है? पोलियो में मसल रहती कि डीजनरेट हो जाती? डीजनरेट। तो वैसी ही डिसीज होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इस जेनेटिक डिसऑर्डर में आपकी मसल डीजनरेट होने लगते हैं, मसल डीजनरेशन होने लगता है। और इस मसल डीजनरेशन की वजह से आपकी मसल पैरालाइज हो जाती है, यानी मसल काम करना बंद हो जाती है। आपने स्टीफन हॉकिंस नाम के वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, अभी पिछले साल ही उनकी डेथ हुई है। अदरवाइज उनको दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट माना गया इस सदी का, आफ्टर आइंस्टीन। आइंस्टीन के बाद सबसे बड़े साइंटिस्ट माने गए स्टीफन हॉकिंस। उनकी हर वो जगह जहां मसल्स थी, स्केलेटल मसल्स थी, वो खराब हो गई। कौन सी मसल? स्केलेटल। कार्डियक नहीं, स्मूथ नहीं, स्केलेटल। और इस वजह से वो पैरालाइज एक चेयर में बैठे रहते थे। इसके बाद आपकी बुक में है टिटैनी। बोलो क्या है? टिटैनी। तीसरी बीमारी है टिटैनी। इट इज वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। बच्चा नहीं समझ पाता कि जंगल में जाकर मसल काहे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। नहीं, जंगल में नहीं, बहुत टाइट कॉन्ट्रैक्शन। कोई मसल एकदम जकड़ सी गई, बस अब आप नहीं हिल रहा और बहुत दर्द कर रहा। एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज स्पाज्म। क्या बोलते हैं? स्पाज्म इज अ पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन। सुन लो, स्पाज्म इज अ पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन। कई बार मसल आपकी एकदम खिंच जाती है और आप बैठे हो, अरे यार खिंच गई, इट इज स्पाज्म। ऐसे ही होती है टिटैनी अगर बॉडी में कैल्शियम कम हो जाए, ड्यू टू लो कैल्शियम। आपकी बॉडी में अगर कैल्शियम कम हो जाए तो टिटैनी आपको हो सकती है, इट इज नोन एज टिटैनी। नाउ द आर्थराइटिस, कौन नहीं जानता टिस? टिस जानते हो? आर्थरस, आर्थ इंफ्लेमेशन होगा। चार चीजें, स्वेलिंग, रेडनेस, पेन और हीट ऑफ द ज्वाइंट। ज्वाइंट में स्वेलिंग आ जाए, ज्वाइंट में पेन होने लगे, ज्वाइंट में रेडनेस आ जाए और हीट पैदा हो जाए, आर्थराइटिस। हिंदी में गठिया, गठिया। इट इज पेनफुल इंफ्लेमेशन।
पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट, आर्थरस का नाम था, ज्वाइंट का नाम था आर्थरस, तो आर्थराइटिस, इट इज नोन एज आर्थराइटिस। अब क्या बची, ऑस्टियोपोरोसिस। सुन लो भाई, दो बच्चे ऑस्टियोपोरोसिस हटा दें इसे। बोलो पहला, बोलो मैस्थीनिया ग्रेविस, दूसरा बोलो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तीसरा टिटैनी, चौथा आर्थराइटिस, चारों बोलो कौन ऑटो इम्यून, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मैस्थीनिया ग्रेविस, कौन जेनेटिक, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आर्थराइटिस भी ऑटो इम्यून है, आर्थराइटिस भी ऑटो, चौथा टिटैनी, कैल्शियम की कमी की वजह से। नाउ सिरिस, एक बोन है जिसके पास ऑसिन है, सुन लो और घर जाओ, ऑसिन है, ऑसिन एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, इस ऑर्गेनिक मटेरियल में अगर कैल्शियम डिपॉजिट होने लगे, क्या, और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस डिपॉजिट होने लगे, तो हमारा बोन मास बढ़ने लगता है, और बोन मास बढ़ने लगे तो बोन स्ट्रांग होने लगती है, और स्ट्रांग होने लगती है तो हम लोग बोलते हैं अच्छी बोन। इस बोन मास को बढ़ाने के लिए फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन की जरूरत है, मेल में तो नहीं लेकिन फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन की जरूरत है। तो जैसे ही मीनोपॉज होता है, क्या होता है, तो बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, एमसी बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, इसकी वजह से एस्ट्रोजन कम होने लगते हैं, और एस्ट्रोजन कम होने लगे तो बोन बेटा वीक होने लगती है, ऐसा लगता है बोन में पोर हो गए, पोर, इसीलिए इस बीमारी को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और अब अगर बेटा इस पोरस बोन में, ऐसी बोन जो बहुत बोन मास कम कर चुकी है, इसमें चोट लगे तो फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए सब लोग जानते हो, जितनी भी ओल्ड लेडीज हैं वो अक्सर कमर दर्द की बहुत शिकायत करती हैं, बोन पेन की बहुत, मेल कम शिकायत करते हैं, फीमेल ज़्यादा करती हैं, क्योंकि फीमेल में एक प्रोसेस है मीनोपॉज, और इस मीनोपॉज की वजह से उनकी हड्डियों में क्या जमा होना कम हो गया, कैल्शियम, और इसलिए बोन का मास बढ़ा के घट गया, घट गया, और अगर बोन का मास घट गया तो बीमारी हुई ऑस्टियो, हड्डी, और पोरोसिस मतलब पोर होने लगे, तो हड्डी में पोर नहीं हुए, बस आपको बताना है कि हड्डियों में कैल्शियम डिपॉजिट कम हो गया। ये थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन की इनइक्विलिब्रियम से भी हो सकता है। अगर किसी मेल में ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा तो दो हार्मोन पैराथार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन, याद है, उनकी इनइक्विलिब्रियम से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज गाउट, हटा दें इसे, नो सर। अच्छा बताओ, बोन हल्की हो जाए, ऑस्टियोपोरोसिस, व्हाट इज ऑस्टियो, बोन, पोरोसिस मतलब, तो छेद होते नहीं है लेकिन पोरोसिस का मतलब उसमें बोन मास कम हो गई। अरे बस 5 मिनट। वन इज गाउट, अगर ज्वाइंट में यूरिक एसिड जमा हो जाए, ज्वाइंट में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होने लगे, तो बेटा ये क्रिस्टल जमा होने की वजह से पेन होता है। ज्यादातर समय में ये ग्रेट टो यानी आपके पैर के अंगूठे में ज्वाइंट होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज आर्थराइटिस, क्योंकि ये भी ज्वाइंट को ही निकालता है, ज्वाइंट में ही इन्फेक्शन करता है, लेकिन ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया है, ऑटो इम्यून है कि यूरिक एसिड, यूरिक एसिड प्रोटीन खाने से बढ़ता है। तो जब कभी आपको गाउट हो, मछली खाना बंद करो, मुर्गा खाना बंद करो, मटन खाना बंद करो, दाल खाना बंद करो, राजमा खाना बंद करो, हर उस चीज को खाना बंद करो जिसमें क्या है, प्रोटीन। तो खाएं क्या, लौकी और रोटी। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। और आज शाम को छुट्टी, मिलेंगे सोमवार को न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तीन दिन की, एक एक बोलूंगा, इत श्री चतुर्थ पंचम षष्ठम पंचम, इत श्री पंचम अध्याय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।